Thank you.
page 74.
गुरुदेव तब कबे तब करुणा प्रकाशे कबे तब करुणा प्रकाशे गुरुदेव कबे तब थोड़ा ऊपर बैठ जाएंगे आपके पास।
Krishna Gurudev ki jai. He Gurudev daya kare ke mujhko apna
मिर्जन साइड अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीशिवाद्भक्तिप्रमोदाय पुरिगोस्वामीति नाम्ने नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री शिवाद्भक्ति वेदांत नारायण इति नाम्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाय गोसाई करी चरणा वंदन जा हित विघ्न नाश अभीष्टा विराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा कृतम सपुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि स्तवम प्रपद्ये नित्यानंदम नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मष नाशाय श्री जानवापते नमः राधा चित्तनिवेशिन यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिखितं विग्रहं भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये शिवतस्य कामादि तरंग वंदे कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जिनकी आज आविर्भाव तिथि नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद स्तोत्र शिष्य वर्ग भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडों का नाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद स्तोत्र शिष्य वर्ग भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद स्तोत्र भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा संख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व श्री प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम। सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि समस्त रूपानुग गुरुवार के चरणों में मेरा संख्य कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आज हमारे बीच में मेरे ज्येष्ठ श्री पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी उपस्थित उनके चरणों में मेरा प्रणाम। जी प्रभु संजय प्रभु समस्त श्रोता मंडली मातृमंडली वैष्णवगण सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री राधा माधव गौड़िया मठ के समस्त भक्त वृंद के द्वारा श्री गुरु महाराज जी की आज आविर्भाव तिथि को यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं, जिसको कीर्तन और कथा के माध्यम से और विशेष करके कथा सुनने के इच्छुक भक्त लोग आज सुबह सुबह ही यहाँ पधारे। महाराज जी का भागवत चल रहा है पास में, मैंने प्रार्थना की, इनका कहीं पर कार्यक्रम था वो स्थगित करके महाराज जी यहाँ पर पधारे। आज गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि, जिस प्रकार एकादशी तिथि के संबंध में कहा जाता है माधव तिथि भक्ति जननी,
यदि हम कहें गुरु महाराज की आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि भी माधव तिथि है तो इसमें कहने में कोई दोष नहीं। गुरु महाराज की आविर्भाव तिथि को पालन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भक्ति का जो उद्गम स्थान वो श्री गुरु चरण पद्म है। श्रीनोत्तम ठाकुर जी ने कहा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्गुण। इसलिए सुष्ट रूप से प्रेम से श्रद्धा के साथ और हृदय में गुरु महाराज के गुरुजनों के जो सिद्धांत और उनकी जो गुणावलियों को हृदय में यदि आविर्भाव हो तो वह आविर्भाव तिथि मनाना सार्थक हो जाए। साधु संत की बात कही गई, साधु संत का अर्थ मात्र कथा श्रवण करना नहीं होता। गुरु जी का संग, वैष्णव का संग, साधु संग का अर्थ है उनके जीवन चरित्र में जो वैशिष्ट्य, जो भजन शैली, जो शरणागति का जो लक्षण उन्होंने अपने गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हुए जगत में प्रदर्शन किया, वे सब गुणावलियां, वे सब उनके महान चरित्र का एक छींटा भी हमारे हृदय में आ जाए तो हम समझेंगे हमारा ये मनुष्य शरीर सफल हो गया, हम समझेंगे आविर्भाव तिथि मनाना सार्थक हो गया। और ये होता है गुणावलियों को श्रवण करने से। जब उनके हम उदार चरित्र को श्रवण करते हैं तो मन में एक इच्छा होती है, अरे हम बद्धजीव साधन भजन भी नहीं कर पाते और ऐसे मुक्त महापुरुष हम जैसे बद्धजीवों के लिए यही कारण से यहाँ पर आए। इसलिए आज हम लोग अधिक समय न लेता हुआ हमारे बीच में कुछ भक्त लोग वक्ता लोग गुरु महाराज जी की चरित्र का गुणगान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज जी के जो अनाथ चरित्र है वे हमको हम श्रवण कराइए जिससे कि उनका आविर्भाव हमारे हृदय में आ जाए। आप वैष्णव जन हैं, आपकी कृपा से ये संभव हो सकता है। इसलिए मैं सर्वप्रथम पूज्यपाद भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी से प्रार्थना करूंगा वे गुरु महाराज जी के संबंध में हमको कुछ श्रवण कराए। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की माइक। ॐ ज्ञानतिमिरम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छ कल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोद गोस्वामी नामिनी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यानंद अभिन्न कलेवर संबंध ज्ञान प्रदाता
Nitalila Pravishnam Vishnu Father Shodhar Satasri Sri Srimad Bhakti Sriyo Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charno Kamalame Anant Kuti Sashtanga Dalavad Pranam Kirtan Tatpaschat Mari Sikha Guru Pada Bhatma Nitalila Pravishnam Vishnu Father Shodhar Satasri Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayani Goswami Maharaj Srila Bhakti Vigyani Srila Bharati Goswami Maharaj Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj सभी के चरणों में यथाजोग प्रणाम करता हूँ एवं उपस्थित श्री सिद्धार्थ महाराज माधव के पहले सही कहा था इसलिए माधव प्रिय प्रभु अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि चैतन्य चैतन्य कृत में बताया गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरणे तिनेरे स्मरण आये विघ्न विनाश। तो जब गुरु वैष्णव का स्मरण करते हैं जब उनको जन्म तिथियों को पालन करते हैं महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर जी की निर्जन तिथि को उन्होंने पालन की महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति उनका निर्जन महोत्सव में आए यहाँ तक भी जिसने थोड़ी बहुत रेती दिया यहाँ तक भी उसको उद्देश्य करते हुए जो इसने प्रसाद सेवन किया है अचिरात में उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई ये महाप्रभु स्वयं की बात कहते हैं। इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है त्रिला प्रवेश भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव दिखे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव चैतन्य महा जो वैष्णव का जो ठाकुर वैष्णव पद अवनीय सुसंपद कहती है पृथ्वी का असली संपत्ति क्या है बोले वैष्णव का चरण है। जब इसी जगत में एक वैष्णव इसी जगत में आविर्भूत हो जिसको नरसिंह भगवान कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कितार था वसुंधरा वसतिश्च धन्या निर्दन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जेषां कुले वैष्णव नाम थे। जब इसी जगत में एक वैष्णव अवतीर्ण होते हैं अवतीर्ण होने पर फिर उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं स्वर्ग में पितृ पुरुष लोग हाथ उठा उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं और ये पृथ्वी भी अपनी आंख को धन्य मानती है। कभी जब कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के जब हाथ उठा करके नृत्य करते हैं वो स्वर्ग में देवता लोगों का कल्याण होता है। जब उनको दृष्टि जितने दूर तक उनको दृष्टि जाए उतना दूर तक सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है और उनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपनी आप को धन्य धन्य समझती है। अहो भाग्य है एक वैष्णव का चरण का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है इतने महत्व है इस जगत में एक वैष्णव अवतरण होने का। लेकिन आज जो महापुरुष का जन्म तिथि ये तो कोई साधारण नहीं क्योंकि जब श्री प्रभुपाद कहती है राधा रानी की नयन मणि मंजरी जब ये निकुंज लीला में राधा जी की सेवा में ये आविष्ट थे सेवा में नियुक्त थे तब स्वयं राधा रानी आदेश देती है नयन मणि मंजरी को बोले नयन मणि मंजरी जाओ देखो दुनिया की दुर्दशा को देखो कैसे जीव भगवत भक्ति से विमुख होकर के संसार में कैसे दुख कष्ट उठा रहे हैं तुम जाओ और जाकर के क्या करो बोले अकेले मत जाओ राधा रानी कहती तुम अपना परिक्रम को लेकर अपना परिक्रम को लेकर जाओ राधा रानी का निर्देश है। इसलिए जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जब आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं इसलिए बताए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सकार सदसियो अवतारी। जैसे महाप्रभु अपना धाम परिकर को लेकर के आते हैं उसी तरह श्री प्रभुपाद जब इसी जगत में आते हैं तो अकेले नहीं
वो अकेले नहीं संपूर्ण अपना कई कर्म को लेकर के आते हैं। और जितने प्रभुपाद का गायन है, महाप्रभु स्वयं ये बात को कहते हैं, जिस समय हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जब उन्होंने प्रभुपाद की विद्वता को देखे, उनकी विद्वता को देख करके इतने प्रसन्न हुए, इसको द्वारा जरूर महाप्रभु कुछ ना कुछ काम करेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना किया था विमला देवी के पास में, ऐसे एक संतान को जो भविष्य में महाप्रभु का वाणियों को प्रचार करेंगे। इसलिए उन लोगों ने प्रभुपाद को बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए थे, तुम ये पंजीकरण निकालना, प्रचार करना, ये करना, वो करना। अभी प्रभुपाद अभी बड़े चिंता में पड़े हुए, मैं ये गुरु वर्गों का आदेश को कैसे मैं पालन करूं, वो कैसे पालन करूं। इतने में उन्होंने स्वप्न समाधि में दर्शन करे थे, क्या दर्शन किया, महाप्रभु कई करो को साथ में प्रकट हुए। पुनः गौर किशोर दास बाबा महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा महाराज पुनः प्रकट हुए और प्रभुपाद को बोल रहे हैं, प्रभुपाद तुम सोच रहे हो तेरे पास में जन बल नहीं, धन बल नहीं, कोई चिंता मत करो, केवल तुम प्रचार करने के लिए थोड़ी सी केवल प्रचेष्टा करो, और तुम्हारी पीछे पीछे हम ये सबके सब पीछे पीछे तुम्हारे भेज रहे हैं। इसका मतलब है प्रभुपाद का जितने जन है इसके भेजा हुआ है, ये श्रीमान महाप्रभु के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आशे जग नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मेरा नाम, सुखी है या लोक मेरे गाय के कीर्ति, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसा आएगा, भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा गोरे और काले दोनों व्यक्ति मिलकर के हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दोनों मिलकर के एक साथ में हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए यद्यपि महाप्रभु का भविष्यवाणी, महाप्रभु जिस जिसको द्वारा जितना प्रचार करना चाहते थे उन लोगों ने किया है, लेकिन अगर ये बात को पूर्ण रूप में अगर किसको अगर लागू होता है ना, केवल भक्ति सिद्धांत ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद में ही लागू होता है संपूर्ण रूप में। यही महापुरुष ही उन्होंने अपना शिष्य प्रशिष्य को बना करके छोटे छोटे बच्चों को द्वारा उन्होंने सर्वत्र इन्होंने महाप्रभु को उन्होंने वाणी प्रचार की। अगर ये प्रभुपाद नहीं होते है ना, अगर हम यहाँ बैठ करके थोड़ी बहुत जो हरि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, एक तो खत्म हो जाता, मैं भी सोच नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ। यहाँ पर देखो, आप देखो कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ, गुजरात के, अलग 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 व्यक्तियों का आप देखोगे कहाँ से, लेकिन हाँ ब्राजील, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, हाँ, ये कभी हम सोच नहीं सकते थे एकत्रित होकर के कभी महाप्रभु की कथा भगवत चर्चा करके, तो सोच से बाहर है। ये केवल प्रभुपाद ने अपना परिक्रम को द्वारा उन्होंने सर्वत्र भेज करके उन्होंने हम लोगों पर उन्होंने कृपा की है। इसलिए उन महापुरुषों में एक हमारे श्रील भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज उसमें एक व्यक्ति ये हुए है। फिर ये जो महापुरुष है, हम श्री कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद कुमार, फिर कृष्ण जिसको अंदर में चार गुण रहेगा ना, चार गुण की बात छोड़ दो, जिसके अंदर में केवल एक गुण रहेगा कोई भजन नहीं कर सकता। अगर कोई अच्छे कुल में जन्म हो जाए, ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा सुंदर, ज्यादा ज्ञान हो जाए, इसमें एक गुण भी रहना तेरे भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज इस महापुरुष का जन्म तिथि है, आप विचार करो तो इनके अंदर में संपूर्ण रूप में ये चार गुण विद्यमान है। बोले जन्म, ये कौन सा कुल में जन्म हुए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में ये महापुरुष जन्म हुए हैं, हैं? ऐश्वर्य, इनको ऐश्वर्य तो हम सोच नहीं सकते, उन्होंने लास्ट में जो अपना ऐश्वर्य को, अपना विभूति को उन्होंने जो प्रकाश दिया है, जैसे देखो भक्ति सिद्धार्थ महाराज, माधव प्रिय प्रभु और उनका जो हमारे जो बोध है महाराज, अभी इतने शिष्यों को उन्होंने
उन्होंने ग्रहण किया और विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने इन महापुरुषों के द्वारा महाप्रभु का वाणी इन्होंने लास्ट जीवन में कितने मंदिर पुरी में मायापुरी में वृंदावन में और कहां कहां उन्होंने अपना वैभव को उन्होंने प्रकाश किया है। इसलिए जन्म ऐश्वर्य बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, बोले जिनकी ज्ञान की कोई था नहीं, जिनकी ज्ञान की कहते प्रभुपाद का समय में उन्होंने क्या काम किया है, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे श्रीमान महाप्रभु उन्होंने एक एक भक्तों को दे करके एक एक अभिष्ट उन्होंने पूर्ण किया है। रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापित किया, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धांत को स्थापित किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा प्रयोजन तत्व को स्थापित किया, श्री हरिदास ठाकुर को द्वारा नामाचार्य नाम को स्थापित किया, उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी अपना अपना एक एक गण के द्वारा उन्होंने एक एक उन्होंने अभिष्ट को स्थापन करते हैं। उनकी एक एक देखो भक्ति दायक श्री माधव गोस्वामी महाराज, इनका जितने सारे मठ थे ना बड़ा मठ है, अगर 7 दिन कहीं गए ना वहां पर एक मंदिर खड़े कर देते थे। भक्ति हमारे श्री सारंग गोस्वामी महाराज भिक्षा भी हमारे गौरी मठ में जो ऐश्वर्य था, पहले तो बड़ी तीन होकर के भजन करते थे, प्लेट भी नहीं होता था, हाथ को साफ करके सजना साग में चावल डाल करके इसना किसी तरह से भोजन करके भजन करते थे। लेकिन जो ऐश्वर्य है श्री हमारे श्री सारंग गोस्वामी महाराज ने, भक्ति हृदय बनदेव गोस्वामी महाराज क्या लेक्चर, इनकी क्या हरि कथा, जब हिंदी में बोले ना लगता था कोई हिंदी भाषी, जब अंग्रेजी में बोले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा करके इनकी अंग्रेजी साधारण लोग का जो भावना है, अरे ये सब भजन करने के लिए कौन आता है, इनको पैसा कमाने का कोई उपाय है नहीं, खाने पीना को मिलता नहीं, वो सब मंदिर में आ जाते हैं साधु बन जाते हैं। लेकिन इनके लेक्चर सुन करके अंग्रेजी लेक्चर सुन करके बड़े बड़े व्यक्ति भी बड़े अंग्रेजी बोले क्या अंग्रेजी को ये क्या लेक्चर देते थे। इसलिए प्रभुपाद भक्ति रखकर श्रीधर महाराज इन्होंने कहीं फिलोसफी को ऊपर हो कोई सिद्धांत की बात को ऊपर हो जो बोलते थे लोग सुन सुन दग रह जाते थे। लेकिन हमारे श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इन्हीं को द्वारा उन्होंने क्या किया है, इसलिए बताया 3 मृदंग है, एक है जो मृदंग को हम बजाते हैं, दूसरा है बृहद मृदंग है और तीसरा है जीवंत मृदंग। ये 3 मृदंग है। आप देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के दर में संपूर्ण रूप में 3 मृदंग विद्यमान था। ये इनकी गला इतने सुंदर था, हैं इतने सुंदर था, इनके भजन रेडियो में आता था, हैं इनका भजन रेडियो में आता था, कि रेडियो में गाते थे और प्रभुपाद का भक्त लोग वो रेडियो में इसको सुन करके बोलते थे, प्रभुपाद को बोलते थे बोले प्रभुपाद प्रणवानंद का कीर्तन आ रहा है, प्रणवानंद का रेडियो में इनका ब्रह्मचारी का नाम था प्रणवानंद, प्रणव मतलब क्या है ओंकार, ओंकार को प्रणव कहते हैं, ओंकार को ये प्रमद प्रणव कहते हैं, आ उ और म ये 3 मिलकर के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की जो कंठ से भेद करते हुए सर्वप्रथम जो शब्द है वो प्रणव है, ओम है, अर्थ है, ये 2 शब्द ही निकला। इसलिए इनका नाम प्रभुपाद कहते अकार उच्चते कृष्ण उकार जीव बात उकारे राधा और मकारे श्री जीव है। इसलिए इनका ब्रह्मचारी का नाम श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी था, लेकिन जब संन्यास लिए इनका नाम क्या हुआ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। भक्ति प्रमोद का मतलब क्या है, प्रमोद मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, मोद मतलब आनंद देना, प्रकृष्ट रूप में सबको जो आनंद देते हैं, किसको आनंद देते हैं, भक्ति के द्वारा जीव को आनंद देते हैं, श्री किशोर जी को आनंद देते हैं, श्रीमान महाप्रभु का आनंद देते हैं और भक्त लोग को जो आनंद देते हैं कौन है, श्री प्रमोद है, ये भक्ति के द्वारा जो संपूर्ण आनंद है। इसलिए हम इनकी कथा भी हमने सुनी है, कभी रूप सनातन गौरी मठ में कहीं भी विग्रह स्थापन हो, किसी मंदिर में कहीं विग्रह स्थापन हो, मंदिर स्थापन हो, उसको कौन करते थे, यही महापुरुष करते थे। जब मेरे गुरुपाद पद्म की अंतिम संस्कार, क्योंकि एक तो अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, फिर दूसरी है इन्होंने सारे मंदिर स्थापन करना, विग्रह स्थापन करना, अंतिम संस्कार करना, यज्ञ करना, जितने क्रिया वैदिक क्रिया में
ये निपुण्य महापुरुष थे, इसलिए अक्सर कहते मेरे गुरुदेव भी जब अंतिम संस्कार हुई यही महापुरुष ने पहला बार से तो मेरा पहला दर्शन वहीं पर हुआ है, इसलिए यही महापुरुष ने एकदम विधि विधान को साथ में बच्चा मृतक द्वारा स्नान करा के अद्भुत रूप में उन्होंने हमारे गुरुपाद पद्म की अंतिम संस्कार यही महापुरुष ने ही उन्होंने करवाया था, इसलिए इनका नाम भक्ति प्रमोद है, इसलिए पहला मृदंग है जो सुंदर मृदंग बजाय भजन का ये पहला मृदंग। बोले दूसरा मृदंग क्या है? बोले बृहत मृदंग है। बृहत मृदंग क्या? बोले पत्रिका वा ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद ने सर्वप्रथम प्रभुपाद ने साल में एक बार एक पत्रिका निकाल कर दी, उन्होंने देखा इसको जरा जीव का पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं, फिर उन्होंने मासिक निकाल हर महीना में, बोले नहीं इसको द्वारा नहीं, फिर पाक्षिक निकाले 15 दिन बाद में, फिर साप्ताहिक निकाल, फिर दैनिक, जैसे लोग सवेरे उठते पेपर पढ़ते ना ऐसे ही इन्होंने बोले क्यों दुनिया की उल्टा पुल्टा गति गति चीज को पढ़े, इसलिए सवेरे उठते ही क्या पढ़े महाप्रभु का वाणी को पढ़े, महाप्रभु का वाणी को पढ़े, इसलिए इन्होंने प्रभुपाद ने जो ये ग्रंथों को उन्होंने पत्रिका को क्या एडिटर थे, पत्रिका को एडिटर थे, इसलिए जब ये विश्राम करते तो महाराज बोलते थे चारी तरफ में ग्रंथ ही ग्रंथ ही रहता था और पूरा नहीं सोते थे, अब एक ही चेयर देखे होंगे ऐसे दो एक घंटा सो गए फिर प्रभुपाद की सेवा में लग गए, फिर ग्रंथ प्रकाशन में चारी तरफ में क्यों कहां से कोटेशन लेना कहां पर क्या बताया नहीं बताया, इसलिए जो बृहत मृदंग है ये बृहत मृदंग यानी कि बहुत बड़ा बात है, प्रभुपाद का समय पर इन्होंने जो ग्रंथों को वो उन्होंने जो ये किया है हम हमारे गुरु जी की तिथि में हम बता रहे थे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कहा करते थे मेरे गुरु जी को बाद में जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, जगत में सबसे बड़ा दानी है जिसको गोपियां कहती हैं तब कथा मृतम तब जीवना कभी मेरी कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुविर्णन्ति ते भूरिदाजना, गोपियां कहती है जगत में सबसे बड़े दानी वही है जो कथा मृत को दान करते हैं, सबसे बड़ा दानी उनको बताया, लेकिन इसी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं लेकिन जिन लोग ने ग्रंथ को रख कर गए बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं जो ग्रंथों को चिरस्थाई जो कथा दान करते वो तो बड़े है ही है लेकिन उसी कथा को चिरस्थाई रूप में जगत में जो दुनिया के लिए रख करके जाते हैं उनसे भी बड़ा दानी जो ग्रंथ प्रकाश करते हैं, इसलिए हमारी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इन्होंने प्रभुपाद का समय में जितने ग्रंथ प्रकाश में अगर सबसे बड़ी हाथ किसके है ना यही महापुरुष की सबसे बड़ी हाथ है, इसलिए ये बृहत मृदंग रूप में, और तीसरा मृदंग है जीवंत मृदंग, बोले जीवंत मृदंग मतलब क्या, बोले जो स्वयं साक्षात रूप में भगवत वाणी को जो प्रचार करते हैं, इसलिए ये महापुरुष ने इन्होंने भी ये वाणी को सारा दुनिया में महाप्रभु को वाणी को सारा दुनिया में ये महापुरुष ने प्रचार और प्रसार किया, इसलिए हर दृष्टिकोण से, इसलिए बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है पांडित्यता विद्वत्ता इनके अंदर में अद्भुत विद्वत्ता इनके अंदर में, तभी तो सारे ग्रंथ का एडिटिकोण करता है, साधारण व्यक्ति कहता है थोड़ी जो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो वही व्यक्ति ही वो सब काम को करता है, इसलिए ज्ञान में इनकी बड़ी सुंदर सुंदर हरि कथा भी अभी भी महाराज की बड़ी सुंदर सुंदर हरि कथा आप लोग सुनते रहना, महाराज की हरि कथा कितने सुंदर हरि कथा, इसलिए ज्ञान अद्वितीय है, अब श्री श्री मतलब होता है सुंदरता, ये महापुरुष इनके साथ में ना श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तुलना हो रहा है, आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज खटो गए देखे हो देखना उनका जैसे खटो है लेकिन वो बड़े आजाद लंबी थे बड़े लंबे चौड़े, लेकिन बिहार जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ये महापुरुष भी अंतिम समय में जैसे मानो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की इन्होंने लीला प्रकाश की, इन्होंने इनकी लास्ट में इतना झुक गए थे लेकिन
जब खड़े होते थे ना वो भीड़ लंबे महापुरुष गौरव करने के लिए रूप तो देखे होंगे एकदम महापुरुष का गौरव करने के रंगे है लंबे चौड़े है इसलिए अगर देखोगे जन्म ऐश्वर्य सुंदर स्त्री अगर ये चार विषय में देखोगे ये महापुरुष का करके पूर्ण रूप में ये चार चीज दिखती है लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई महापुरुष भगवान की भक्ति करते हैं समझो वो साधारण व्यक्ति ये महाप्रभु को तरह प्रेरित ये सब के सब महाजन ही महापुरुष है और ये जो महापुरुष है ये जो महापुरुष है कोई कोई व्यक्ति इनको ऊपर में थोड़ी सी बोलते थे ये तो कनिष्ठ अधिकारी है बोले क्यों कनिष्ठ अधिकारी भी उनको बोलते थे बोले इसलिए बोलते थे हम महाराज जी विग्रह सेवा में इनकी बड़ी रुचि थी मैं स्वयं देखा है महाराज को जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में जाता था तो महाराज को हम दर्शन करने के लिए जाते थे हम देखता था महाराज जी जब ठाकुर जी को सेवा करते थे ना पूजा घंटे घंटे तक एक जगह पर बैठ करके विधि विधान को साथ में उसमें संपूर्ण रूप में उसमें अभिष्ट हो जाते थे इसलिए इनको कोई कोई कहते ना तीन तरह का वैष्णव कनिष्ठ मध्यम और उत्तम कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण बताए अर्चया मेघ हरे जब पूजा श्रद्धेय थी न तत् भक्ते सुचाने सुसवक्त प्राकृत स्मृत इसलिए जो अर्चया विग्रह में जो साक्षात भगवत बुद्धि से जो भजन करते हैं इनको कनिष्ठ भक्त बताया इनको इसलिए इनको कोई कोई कनिष्ठ भक्त कह देते थे देखो वैष्णव का कितना भिन्नता है इनकी इतने दीनता ऐसे नहीं केवल कनिष्ठ भक्त ही पूजा करते हैं जितना हमारे गोस्वामी को देखो इसका ठाकुर नहीं बताओ रघुनाथ दास गोस्वामी का गिरिराज महापुरुष स्वयं महाप्रभु को गिरिराज शिला कुंजा माला देते हैं स्वयं श्री डॉक्टर श्री रूप गोस्वामी को देखो गोविंद देते हैं सनातन गोस्वामी को देखो मदन मोहन है श्री माधवेंद्रपुरी का देखो गोपाल जी है सारे गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर का देखो महाप्रभु है इसलिए केवल कनिष्ठ अधिकारी ठाकुर पूजा में ऐसे नहीं जितने जितने बड़े बड़े श्री गोविंद गोपीनाथ किसने प्रकाशित किया भजननाथ ने प्रकाशित किया है जितने इतने महापुरुषों को जैसे साक्षात रूप में श्री माधवेंद्रपुरी साक्षात रूप में गोपाल से बात करते थे गोपाल बोलते थे बोले मेरे शरीर में बड़ा ज्वलन हो रहा है बड़ी दिन से पड़ा हुआ था मेरे को चंदन ला करके मलय जो चंदन लगा मेरे शरीर में मलय जो चंदन लगा इसलिए इनकी ये महापुरुष भी महाराज आपको आगे सुनाएंगे ये महापुरुष को ठाकुर को साथ में संबंध है कहीं अगर ठाकुर जी के हाथ से कहीं अगर गिर पड़े कहीं अगर ठाकुर जी कहीं कपड़ा जल गया तो ये महापुरुष को स्वप्न आते थे ठाकुर जी स्वप्न इनको देते थे मेरे को ऐसे ऐसे कभी इनको शरीर में पूरा शरीर में जलन हो रहा था इतनी जल रहा था बोले आज मेरे शरीर में इतना जलन क्यों हो रहा है क्योंकि कहीं ठाकुर जी की कहीं प्रतिमा पास में रखा था थोड़ी कहीं कपड़ा जल गया था ठाकुर के शरीर में थोड़ी सी नहीं आग लग गई थी ठाकुर का शरीर में आग लग गई लेकिन वो आग कहां पर आ गई कहते जैसे इनके शरीर में आज मेरे शरीर में इतने ज्वाला क्यों हो रहा है इतने जलन क्यों हो रहा है बाद में पता चला कहीं ठाकुर का शरीर में कहीं आग लग गई मतलब इतने भगवान को साथ में इनकी इतने तदात्म है इतने तदात्म ठाकुर जी को प्रति इनकी अद्भुत तदात्म है ठाकुर जी को स्वप्न देते थे हैं इसलिए केवल कनिष्ठ अधिकारी ठाकुर पूजा करते ऐसे बात नहीं ये उत्तम अधिकारी जो गंजरिया भी सेवा किए हैं इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना राधा कृष्ण प्रायण मोरा जो गला किशोर जीवने मरने गति हार नाही मोर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना इसलिए लेकिन ये महापुरुष कहते हैं दीनता देखो महापुरुष कहते ना त्रिनाथ भी सुनिचे ना तर रपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सुधारी मानो ये महापुरुष महाप्रभु का जो त्रिनाथ भी सुनिचे की मूर्तिमान स्वरूप के महापुरुष है इसलिए जब इनको कनिष्ठ अधिकारी किसी ने बताए अरे जब कनिष्ठ अधिकारी है तो केवल ठाकुर पूजा करते थे को इनका पानी किया अरे वाह देखो वैष्णव लोग मेरे को मैं तो सोच रहा था मेरा कोई अधिकारी नहीं है कोई अधिकारी नहीं लेकिन कम से कम वैष्णव लोग मेरे को कनिष्ठ अधिकारी कम से कम बता रहे हैं
अहोभाग्य है मेरे को गुरु भाई कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी भी साधारण नहीं, उनको भी साथ भी उदार हो जाता है कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन इनकी दीनता इनमें दीनता है महापुरुष के अंदर में, और विशेष करके ये महापुरुष के अंदर में एक विशेष चीज थी। बोल कौन सा विशेष चीज ये, यदि जो ग्रंथ है ये ग्रंथ का प्रति इनकी बड़ी ममता है। अगर श्री महाराज जी को अगर कोई बोलता था महाराज जी आप लोगों से चाहिए कोई चीज चाहिए, अगर हमें कोई पूछे तुम्हें क्या चाहिए हम क्या बोलेंगे, कपड़ा लत्ता पैसा दुकानदार, अगर इनको कोई पूछे आप लोगों को चाहिए वो क्या बोलते थे, बोले हाँ मेरे कुछ देना चाहते, बोले हाँ अगर देना चाहते हो जाओ सिद्धांति महाराज जी के जो ग्रंथ है ना वो ग्रंथ खरीद करके मेरे को दो। इसलिए मेरे गुरुदेव जो ग्रंथ प्रकाशित किया है जैसे वेदांत का चार खंड गुरुदेव ने स्थापित किया प्रकाशित किया, ज्ञान उपनिषद उन्होंने, भगवत गीता को बलदेव विद्याभूषण और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता को उन्होंने ये किया है, उद्धव संवाद को प्रकाशित किया है, महाजन गीत संग्रह को, किरण करा बिंदु किरण कणा ये तीनों ग्रंथों को है। इसलिए वो कहते थे सिद्धार्थ महाराज का ग्रंथ को मेरे को दे सकते हो ला करके, मतलब उनका ग्रंथ को तो कितने प्यारे। इसलिए भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज हमारे महाराज कहा करते थे जब मेरे कोई ग्रंथ में प्रकाश करता था वो ग्रंथ को लेकर के मैं महाराज को देता था, महाराज इतने प्रसन्न होते थे इतने खुश होते थे, क्यों एक ग्रंथ ही ऐसे एक वस्तु है जो विश्व ब्रह्मांड में महाप्रभु का वाणी को प्रचार करने वाले, जैसे हम कथा सुना रहे हैं थोड़ी दूर लोग का कल्याण करेगा, लेकिन ग्रंथ अगर किसी कोने में अगर ये ग्रंथ पहुंच गया उसका भी ये ग्रंथ कल्याण कर देता है। इसलिए ये महापुरुष हैं, इसलिए ये महापुरुष अंतिम समय में ये कहां पर अंतर ध्यान करते हैं, बोले जगन्नाथ पुरी में अंतर ध्यान, बोले क्यों कहते जगन्नाथ पुरी हैं, एक बार हमारे महाराज बोलते थे वो अंतिम समय में अंतर दशा में चले गए, अंतर दशा होता है एक बाह्य दशा एक अर्ध बाह्य दशा और एक अंतर दशा, तीन दशा है, बाह्य दशा में तो कीर्तन करते हैं, अंतर बाह्य दशा में प्रणाम वर्णन और अंतर दशा में संपूर्ण लीला में प्रवेश कर जाते थे, अंतिम समय में उन्होंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कभी वैष्णव का लीला है, लेकिन जब मैंने कभी गए महाराज को दर्शन करने के लिए महाराज बढ़िया से मेरे साथ में बात किया अच्छे तरह से मेरे से बात किया है, इसलिए कहते वैष्णव क्रिया मुद्रा पिक नाम बुझे है, बोले देवता जीवित नारे वैष्णव सकती, वैष्णव को पहचानना देवता लोग भी नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ पुरी में ही अपना अंतर ध्यान लीला उन्होंने यहीं पर प्रकाशित किया, बोले क्यों बोले पुरी जो जगन्नाथ पुरी है ये विप्रलब्ध स्थान है, और कहाँ पर उन्होंने किया, कहाँ पर किया, जहाँ पर से हमारे गुरुदेव जहाँ पर अंतर ध्यान लीला किए ना हमारे गुरुदेव वहीं पर उन्होंने किया, उसके पास महाराज का मंदिर है वो चक्र तीर्थ हो विप्रलम्ब स्थान है, इसलिए प्रभुपाद और महाप्रभु भी वहीं पर विप्रलम्ब रस का आस्वादन किया, प्रभुपाद कहाँ पर जन्म हुई पुरी में, इसलिए प्रभुपाद ये विप्रलम्ब चीज को विप्रलम्ब रस को सर्वश्रेष्ठ रूप में महाप्रभु ने ये चीज को प्रकाशित किया, इसलिए ये महापुरुष वही विप्रलम्ब स्थान में ही उन्होंने अतीत उन्होंने लीला को उन्होंने प्रकाशित करते हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत है, वैष्णव का कथा भी अथाह इनकी कथा है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आज ये महापुरुष का जन्म तिथि ये तो नित्य ही है, क्योंकि महापुरुष का परिकर है ना प्रभुपाद का गढ़ है राधा रानी को द्वारा भेजा हुआ, इसलिए ये तो साधारण है नहीं, इसलिए नित्य वर्तमान ये महापुरुष है, इसलिए आज हम सभी को ऊपर में ये महापुरुष का कृपा हो, जैसे उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की वैष्णव लोग की उन्होंने सेवा की हाँ वैष्णव लोग का सम्मान इन्होंने दिया है, हमारे अंदर में भी ये गुण आए हम भी ऐसे गुरु वैष्णव के आधिपत्य में एक जीवन अगर हम गुरु वैष्णव की सेवा करते करते इनके आदर्श को ग्रहण करते करते अगर हमारा एक जीवन बीत जाए समझे हमारे जीवन धन्य हो गया है। इसलिए हम ये महापुरुष का चरण में पुनः अपना नमन करते हैं प्रणाम करते हैं, वे हम सबको ऊपर भी कृपा करें जैसे हम भगवान की भक्ति करते करते सेवा करते करते हमारा जीवन बीत जाए।
पतितानन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग अभी अभी पूज्यपाद महाराज जी से गुरु महाराज जी के संबंध में बड़े विस्तार से उनके जीवन शैली, उनकी भजन की शैली और उनके वैशिष्ट्य को श्रवण किया। महाराज जी ने बड़े विस्तार से मृदंगों की कथा को बताया। गुरु तत्व बड़ा ही गहरा है, इसलिए इस संबंध में कहा गया अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु भगवान और उनके भक्त, ये सब अप्राकृत है। प्राकृत दृष्टि से, प्राकृत इंद्रियों से इनको समझना, देखने मात्र से ये अप्राकृत है। इनकी क्रियाओं को देखने मात्र से ही कभी कभी प्राकृत बोध होता है। जैसे अभी भी महाराज जी ने वो कनिष्ठ अधिकारी की बात बताई ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा कहा, लेकिन गुरु महाराज जी ने विरोध नहीं किया उसको, उस उपाधि को सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? गुरु महाराज जी का कथन ये, मैंने विचार किया कि मैं संसार से जब जाऊंगा तो ये हृदय में ये खिन्न भाव लेके जाऊंगा कि मैं आज तक किसी अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस बात को कह दिया तो अब कम से कम मेरे को ये शांति है कि जब इस संसार से मैं जाऊंगा तो कम से कम मैं कनिष्ठ अधिकार को प्राप्त करके भी जाऊंगा। ये बात कोई साधारण बात है? अभी हमको कोई कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं तो एकदम आंखें लाल हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिष्ठित आचरण वो इसी का विस्तार करते हैं। गुरुजन अभी महाराज जी ने पूरा इतिहास सुनाया, कहां से राधा जी की आदेश से नैनमणि मंजरी, महाप्रभु के आदेश से भक्ति जना सचिव ठाकुर प्रभुपाद इस संसार में किस लिए आए। हरि कथा वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आचरण किसका विस्तार है? आदर्श का विस्तार है। कैसे भागवत धर्म को प्राप्त किया जाए, इस संबंध में श्रीमद् भागवत जी में चतुर्श्लोकी भागवत में कहा, एतात् एव जिज्ञासा तत् जिज्ञासुभावनम् अन्वे व्यतिकारिता यस्या सर्वत्र सर्वदा। वह भक्ति जो सर्वत्र और सर्वदा रहती है, उस भक्ति को कैसे याजन किया जाए, अपने आचरण को सर्वदा और सर्वत्र ही स्थापित करने का इनका उद्देश्य है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उसी प्रकार उनके परिकर भी, उन परिकरों में गुरु महाराज आचरण का स्थापित करना, क्योंकि साक्षात प्रतिमूर्ति महाप्रभु जी के शिक्षा में त्रिनाद अपि सुने चेना करोड़ अपि सहेशुना अमानी ना मान लेना कीर्तन्य सदा हरि। ये कीर्तन्य सदा हरि का जो आदर्श, वो कैसे प्राप्त होगा? वो अभ्यास से नहीं होगा। कहने का अर्थ, गुरु महाराज जी ने उस दीनता का अभ्यास नहीं किया, ये स्वाभाविक है, स्वभावी ऐसा है, स्वभाविक ही दीनता है। हम लोग उसका प्रयास करते हैं, हम साधन करते हैं। किसने बात को कह रहा हूं, कभी कभी हम लोग आचार्यों की जीवनी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर लेते हैं, ये माया का चाल है। जिस प्रकार से उन्होंने किया था गुरु जी की सेवा, मैं भी ऐसे कर सकता हूं, क्या बड़ी बात है, सीख जाऊंगा करते करते। नहीं, उनका आदर्श, उनका आचरण, ये जो त्रिनाद की दीनता की जो भावना, ये किसी अभ्यास के द्वारा नहीं की गई, ये स्वतः ही स्वाभाविक ही है।
हमको अभ्यास करना पड़ता है, नहीं नहीं हमको ठीक रहना है, प्रिंस से भी ज्यादा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। कथा के बीच में गाड़ी किसकी है, 48 50 जिनकी भी गाड़ी है कृपा करके किसी के गेट के आगे मत करो, फिर झगड़ा होगा। नहीं कोई देखो जरा जाकर देखो क्या बोल रहा है, ये स्वाभाविक है। इस स्वभाव के कारण कितने सारे और अदर स्थापित हो जाते हैं। महाराज जी ने तो एक बात बता दी है, बोले तेनात पिबंध, हम गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करके, हम तो उनके शिष्य हैं ना, और वो भी कोई बहुत पुराने शिष्य नहीं, एकदम नए नए। प्रातः गुरु महाराज के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ही हम लोग रहते थे। सुबह आंगिक करने के पश्चात जब गुरु महाराज जी को प्रणाम करने जाते, देखो जय श्री राधा माधव की, जब गुरु महाराज जी को प्रणाम करने जाते थे तो गुरु महाराज जी क्या करते थे, हाथ जोड़कर मस्तक को झुका लेते थे अपने शिष्यों को देखकर। गुरु भाइयों की बात तो बहुत दूर की रही, कोई सन्यासी आ जाए बड़ी दूर की बात है। गुरु महाराज बोलते थे क्योंकि बहुत सारी कभी कभी गुरु महाराज जी के गुरु भाइयों के सन्यास शिष्य नेक्स्ट जनरेशन वे आकर गुरु महाराज जी को प्रणाम करते, और गुरु महाराज जी वास्तव में क्रंदन करते थे, ऐसे नहीं कि दिखावा है, स्वाभाविक क्रंदन करते हुए कि मैं उठ नहीं सकता, मैं विवश हूँ, मेरी आयु ऐसी है, 98-99 वर्ष की आयु में, 88-99 हमने तो उसी समय देखा गुरु महाराज जी कि मैं उठ नहीं सकता, मैं विवश हूँ, परंतु मेरा प्रणाम स्वीकार करो। लेकिन सब लोग आकर चरण पकड़ते, अरे गुरु महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आप हमारे गुरुवर्ग हैं। गुरु महाराज बोलते नहीं, शास्त्रों का एक विधान है, सन्यासी को देखने से प्रणाम करना चाहिए, और यदि सन्यासी को देखकर प्रणाम ना किया जाए तो उसका प्रायश्चित सारा दिन उपवास, सारा दिन उपवास करना ही उसका प्रायश्चित है, और मैं इस वृद्ध काल में उपवास नहीं कर पाऊंगा। शास्त्र की एक एक बात को अपने जीवन में किस प्रकार से उन्होंने उतारा, गुरु महाराज स्पष्ट उनके जीवन चरित्र में, मतलब शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। 2-3 वर्ष गुरु महाराज के साथ रहकर समझ नहीं पाए कैसा ऊंचा आदर्श है, एक एक पग पग पर कितनी मर्यादा है। अपने शिष्यों को भी गुरु महाराज मस्तक झुकाकर ऐसे प्रणाम करते, हम लोगों ने सामने प्रणाम करने छोड़ दिया कि गुरु महाराज ऐसा करें, कैसी दीनता है। इसलिए दीनता की जो मूर्तिमान विग्रह है नशी गुरु महाराज, और दीनता भी फिर शिष्यों गणों में भी क्या होता है, अपने गुरु भाइयों के समक्ष भी कैसा, कि अपने से ज्येष्ठ गुरु भ्राता कौन, हमारे परम गुरुदेव शिष्यवाद भक्ति विज्ञान भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके प्रति गुरु महाराज जी कैसे नतमस्तक हुए, और एक उनके अविर्भाव तिथि पर गुरु महाराज ने पत्र लिखा पुष्पांजलि अर्पण की कि हमको अभी भी स्मरण है जब नर हरि सेवा विग्रह प्रभु और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यही चैतन्य भट्ट के प्राण थे, यदि ये भट्ट में ना हो तो हमको लगता था भट्ट सूना हो गया है, तो ऐसे मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता शिष्यवाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद की सेवा की, ऐसी सेवा का आदर्श शायद कहीं दिखे, अपने से ज्येष्ठ और अपने समकालीन गुरु महाराज 1923 में प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण किए जन्माष्टमी के दिन, 1923 जन्माष्टमी के दिन में, परंतु प्रभुपाद जी का प्रथम दर्शन
उस समय हुआ जब गौर किशोर बाबा जी महाराज को अभी प्रभुपाद जी समाधि समाधिस्थ करके अभी बस समाप्ति किया था, ऊपर बस लेपन ही किया था, वह प्रथम दर्शन था। ये बात 1917 की है। तो अपने प्रभुपाद जी के गणों में सबकी वंदना करना, सबकी स्तुति करना, क्योंकि गुरु महाराज बोलते थे जो प्रभुपाद के निकट आए और जिन्होंने सारा जीवन प्रभुपाद जी की सेवा की प्राण देकर, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने सबके प्रति नतमस्तक हो, क्या ज्येष्ठ और क्या कनिष्ठ, सबके प्रति ज्येष्ठ और कनिष्ठ। हम लोग ये विचार करते हैं कि मेरे से बाद में आया कनिष्ठ है, ये हमारा विचार है। गुरु महाराज जी का विचार कुछ और है। जिसने प्रभुपाद जी की, जिन मेरे गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी की प्राण देकर सेवा की, वे सब मेरे वंदनीय है, सब ऐसा दिन था। श्रील भक्ति रक्षण श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बड़े विद्वान युवक, क्या तेज रंग का प्रभु गुरु महाराज जी, जब प्रभुपाद जी ने सब प्रथम जो मठ स्थापन किया किराए पर एक घर लेकर कलकत्ता में एक नंबर दलता नांगा रोड पर, गुरु महाराज जी वहीं पर रहकर सुबह रात और संध्या के समय में बैठकर चैतन्य चिंतामण का पाठ करते। जब पाठ करते तो एक दिन श्री प्रभुपाद जी ने कहा, क्या पढ़ रहे हैं? तो गुरु महाराज ने बताया, मैं पाठ कर रहा हूँ प्रभुपाद, वो तो बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ प्रत्येक दिन सुबह और संध्या के समय में ऐसे ही मठ में पाठ होना चाहिए। और उसी दिन से लेकर गुरु महाराज जी को ही सबसे पहले आदेश हुआ था, प्रभुपाद जी की पूरी वो जो प्रचार जो शैली उसमें सबसे पहले गुरु महाराज को ही उपदेश हुआ था। और वहीं से लेकर आज तक ना एकमात्र गौड़िया मठ में, परंतु समस्त जितने हमारे गौड़िया मंदिर है, इस्कॉन संस्था भी उसमें आती है, सुबह में और संध्या के समय में सभी स्थान पर पाठ होता है, कीर्तन और पाठ होता है। इसका आरंभ गुरु महाराज से ही हुआ था। और जब गुरु महाराज जी पाठ करते थे तो बड़े सुंदर एक नव युवक वे आकर उनकी कथा सुनते थे, और कथा सुनकर इतने प्रभावित हुए कि गुरु महाराज के निकट आकर कहने लगे कि मैं आपकी कथा सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ, आपके गुरु महाराज कौन है? तो गुरु महाराज ने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो जैसे उनका हाथ पकड़कर प्रभुपाद जी के निकट आए, तो उन्होंने फिर उनसे दीक्षा इत्यादि ग्रहण किया, और बाद में ये कितने बड़े भक्ति रक्षक गार्जियन ऑफ डिवोशन श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनके प्रति गुरु महाराज का ऐसा अंतरंग मैत्री भाव, और उनको सदैव ज्येष्ठ कहकर संबोधन करते, ये मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता है। लेकर कौन क्या किनकी कथा सुनी? गुरु महाराज जी की कथा सुनी, और गुरु महाराज उनको प्रभुपाद जी के चरणों में लेकर आए, लेकिन उनको सदैव ज्येष्ठी माना, आपका संन्यास प्रभुपाद जी से हुआ। प्रभुपाद जी के 18 सन्यासी आश्रित शिष्यगण हुए, उन्हें श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति कहीं तो माधव गोस्वामी महाराज जी, सब समय गुरु महाराज जी को सम्मान करते, परंतु गुरु महाराज जी श्रील भक्ति कहीं तो माधव गोस्वामी महाराज जी को अपना ज्येष्ठ गुरु भ्राता कहकर संबोधन करते। क्यों ज्येष्ठ गुरु भ्राता कहकर संबोधन करते? उनकी सेवाओं को देखकर किस प्रकार से श्रील भक्ति नहीं माधव गोस्वामी जी ने प्रभुपाद जी की ऐसी सेवा की। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, 7 दिन कहीं पर रह जाते एक मठ स्थापित हो जाता, और छोटा मोटा मठ नहीं, समस्त मठ सब बड़े बड़े विराट विशाल। उनके प्रति सब समय गुरु बुद्धि, और ऐसे तो कितने हैं, कितना विचार करें, और हमारे भक्ता लोग भी हैं, परंतु शिष्यवान भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, जो एक छोटे से बालक थे, जिनको गुरु महाराज और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, ये दोनों ही संत गोस्वामी महाराज के पूर्व आश्रम में गए, छोटा सा बालक देखा, ये इस आयु का इस राम जैसे है, यहाँ पर बड़ा गंभीर बालक। गुरु महाराज ने प्रार्थना की, हमारे साथ चलोगे? और उनके माता पिता से पूछा, माता पिता ने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो,
यदि इस बालक की इच्छा हो और आपकी इच्छा है आप ले जा सकते हैं, बालक से पूछा हमारे साथ चलोगे, तो हाँ कर दिया। माता पिता ने तुरंत समर्पण कर दिया और बालक लेकर प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण किया। और पीछे से उनका नाम पड़ा श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। अब बताओ जिनको गुरु महाराज जी छोटी अवस्था से लेकर आए, परंतु जब उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ किया, प्रभुपाद जी के समस्त सेवाओं को किया और ऐसी सेवाएं कभी उन्होंने उनके मुख में ना नहीं था। प्रभुपाद जी जो आदेश देते तो संपूर्ण आदेश को पालन करके हाँ प्रभुपाद मैं आपकी कृपा से कर सकता हूँ। उन श्री संत गोस्वामी महाराज जी जब उन्होंने अपनी आचार्य लीला प्रदर्शन की, उनके अनुगत जन आए, तो उनमें से एक ऐसा बालक जो बहुत विद्वान, वे बालक आकर श्री संत गोस्वामी महाराज के निकट कुछ वर्षों से उनका संग प्राप्त कर रहा था, उनसे हरि कथा श्रवण कर रहे थे। जब हरि कथा श्रवण कर रहे थे तो पीछे से उनको पता लगा कि एक और प्रभुपाद जी के आश्रित हैं जिनका नाम श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और ये ब्राह्मण कुल के हैं। वो बालक गुरु महाराज के निकट आ गए और आकर गुरु महाराज से प्रार्थना की आप हमको हरिनाम दीक्षा प्रदान करो। तो उस समय गुरु महाराज जी पहले पूछते थे कहां से आए, कैसे पहुंचे, किसका संग किया, तो बालक ने सब कुछ बताया, युवक ने सब कुछ बता दिया। मैं श्री संत गोस्वामी महाराज के निकट हरि कथा श्रवण किया, वहीं से मेरे को प्रेरणा हुई, तो फिर उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? बोलते आप तो ब्राह्मण कुल के है ना, इसलिए आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। गुरु महाराज तो इतना बिगड़ गए, इतना क्रोध में कि तुरंत वस्त्रों के साथ ही जाकर गंगा जी में स्नान करो और पवित्र हो। आज तुमने जो वचन बोले, तुमने स्वयं भी अपवित्रता और मुझको भी अपवित्र किया। वैष्णव में भी जाति कुल का विचार, मैं किसी भी मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, जाओ उन्हीं के पास जाओ। वे युवक फिर श्री संत गोस्वामी महाराज के पास वैसे ही प्रायश्चित करके स्नान इत्यादि करके उनके पास आकर प्रार्थना किए कि हम उसको स्वीकार कीजिए। मैं उनके निकट गया था, उन्होंने आपके पास भेज दिया। तो श्री संत गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, बोलते उन्हीं के पास जाओ, वो मेरे ज्येष्ठ हैं, वो तो मेरे को घर से लेकर आए, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो अभी गुरु पाद पर हैं, कितना बड़ा दोष कर रहे हो मेरे पास आने का, वहीं जाओ। वे युवक फिर गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज फिर उनको ये बोल रहे हैं नहीं वहीं पर ही जाओ। शिष्य बनाने की क्या बहुत तीव्र लालसा थी? नहीं, जिनसे प्रेरित हुए वहीं पर जाकर, और ये विचार रखना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण में वैष्णव गण है, ये अपवित्रता है, ये दोष है, महादोष है। उन श्री संत गोस्वामी महाराज के प्रति भी कैसी आदर होती, जिन जिसने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय ग्रहण किया और उनकी सेवा की, उनके मनोविष्ट को पूर्ण किया, गुरु महाराज ने अपना मस्तक उनके समस्त झुका दिया। कितना ऊंचा आदर्श है, कितने जन्म लग जाएंगे ये आदर्श को जीवन को उतारने में। इसे पहले बोल दिया अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत होता, प्राकृत गोचर नहीं हो सकता। ऐसे गुरु महाराज जी के अथाह जीवन चरित्र है और मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच में जीत प्रभु जी आए, मैं हमको गुरु महाराज की कुछ हरि कथा श्रवण करूँगा। जीत ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभवेभ्यः कथितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्ताभिः नापराधलक्ष्यै चित्तस्य कामात् तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना
Vrinde namaste charinarvinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर हूँ हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चैतन्य भी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी एक तुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ उसके बाद समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ विशेषकर इंद्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टादश श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और जिनकी आज व्यास पूजा इंद्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टादश श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में आश्रय लेते हुए इनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ उसके बाद हमारे मंच पे खासियत पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ उसके बाद हमारे पूज्यपाद माधुप्रिय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम और अभी हमारे बीच में पूज्य पादी जी कृष्ण प्रभु जी संजय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ अभी हम लोग महाराज जी की संजय प्रभु इधर ही आ जाओ अभी महाराज की गुणगान कीर्तन सुन रहे थे जैसे कि महाराज जी बता रहे थे वैष्णव गुणगान जीवन प्राण हरि गुरु वैष्णव तीनों का स्मरण करने से हमारे जीवन के सारे मंगल पूरे होते हैं और सारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जैसे कि हम रोज कीर्तन करते हैं उसमें बताया गया तमो बुद्धि दोषे मुहि धम्म मात्र गति तथापि मुखे भाग्य मने उल्लास दोष समय को करे वो धमे कर निजा सर्व वांच सिद्धि रही यह भगवंत छूटे सर्व वांच जितनी वांछाएं सारी वांछाएं कैसी सिद्धि होती है वैष्णव के गुणगान से सर्व वांच सिद्धि है यह भगवंत छूटे जगते दुर्लभ या प्रेम धर लूटे और वैष्णव के गुणगान से क्या होगा सिर्फ इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी जगत की जितनी वांछाएं पूर्ण होंगी और क्या होगा जगते दुर्लभ या जगत में सबसे दुर्लभ है जो भगवत प्रेम की कोई प्राप्त होता है और भगवान की महिमा से भी ज्यादा वैष्णव का गुणगान की महिमा अधिक है क्यों क्योंकि हमें क्या बनना है भगवान बनना नहीं है हमें क्या बनना भक्त बनना है और हमें प्रेम भगवान तो सर्वांतर्यामी सब के हृदय में भगवान है और जब तक प्रेम हृदय नहीं होता भगवान का दर्शन नहीं होता और प्रेम कहाँ पे रहता है वैष्णव के हृदय में और हमें वैष्णव का जैसा चरित्र होता है वैसा ही एक क्यों गुणगान करते हैं जैसे महाराज जी बताते हैं कि बार बार जो अविर्भाव तिथि आती है और त्रोभाव तिथि आती है हमें दिखाने के लिए आती है हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुवर को चरित्रता उसके ठीक से हम उस लाइन पे चल रहे हैं या उससे भटक गए बार बार अविर्भाव तिथि आती है और बार बार त्रोभाव तिथि आती है हमें एक लाइन पे लगाने ठीक चलाने के लिए हम लोग ठीक से चले तो जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी हमारे महाराज जी ने जब तक कोई भी आचार्य काम नहीं कर सकता जब तक कोई सद शिष्य का काम ना करे पहले सबसे पहले सद शिष्य बनना ही पड़ता है सद शिष्य बने बिना कोई भी गुरु का कार्य नहीं कर सकता और गुरु के कार्य के लिए महाराज जी ने बता रहे थे चार गुण चाहिए जैसे कि प्रणादी सुनिचे
तरुण विशेष गुणा अमानी न मान दे सदाई, जिसमें चार गुण है वही आचार्य का काम कर सकते, वही आचार्य पद वाच्य है, उन्हें ही आचार्य कहा जा सकता है। अभी महाराज जी ने बताया चार गुणों का, मैं एक सिर्फ बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत हमारे बीच में सीजर वैष्णव ने उन्होंने सुन दिया है। सेवा मुख और जीवा दो, जो सेवा करते हैं उन पे ही गुरुदेव कृपा करके अपनी महिमा को गुणगान कराते हैं। जो सेवा विमुख है वो बोलने पर भी वास्तव में उनकी महिमा का वो अनुभव और वो महिमा उनका गान नहीं हो पाता, इसलिए जिन्होंने सेवा की है उनके मुख से सुनेंगे। तो त्रिनाद अभी सुविचेन एक जो महाराज जी भी बता रहे थे भी उसी का जो मेरे को स्मरण आ रहा है और मैं बताने का थोड़ा सा गुणगान करने का प्रयास करता हूँ। जब महाराज जी की सबसे पहले स्वामी व्यास पूजा हुई थी उसमें बहुत सारे त्रिदंडी पाद बहुत बड़े बड़े आचार्य आए थे। महाराज जी व्यासासन पर बैठे थे और महाराज जी उस समय क्या हुआ, कुछ भक्ति प्रदत्ति उसके बाद कुछ भक्ति विज्ञान भारती महाराज भक्ति बोधन महाराज बहुत सारे सन्यासी लोग सन्यासी भक्तजन आए महाराज जी की व्यास पूजा के लिए। जैसे कि बताया महाराज जी का पूरा जीवन कृपा जी ने दो आदेश दिए थे, एक मृदंग और मृदंग, पूरा जीवन ग्रंथों को कृपा जी के आदेश का पालन करने के लिए जो कलम कृपा जी ने पकड़ाई कभी जीवन में छोड़ी नहीं, पूरा जीवन ग्रंथ का काम करते 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 उनकी जो कमर है नीचे झुक गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा जीवन सेवा करते हुए पूरा ग्रंथ लेते थे, पूरा सेवा करते करते उनको अभ्यास ऐसा हो गया। परंतु होने पर भी आयु कितनी है, 100 वर्ष, 100 वर्ष की आयु है और सभी आप देखते हैं वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं ना 100 वर्ष की जो महाराज जी बैठे हैं पूजे भक्ति लगती को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी नीचे गर्दन है और महाराज जी का आंखें भी झुकी हुई है, तो महाराज जी जैसे कोई देख रहा है मेरे को कोई प्रणाम कर रहे जैसी आहट भी हो रही है तो महाराज जी ऐसे कर रहे झुक के प्रणाम कर रहे सबको प्रणाम कर रहे। तो महाराज जी जो भी कोई प्रणाम करता था उन सबको प्रणाम करते थे और जब प्रणाम करने के बाद महाराज जी को जब बोलने के लिए अवसर दिया उन्होंने व्यास पूजा में बहुत सुंदर बात बोली जो सबके हृदय को पिघलने वाली है, हृदय को गदगद करने वाली है। उन्होंने कहा आज इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और हम एक व्यास पूजा मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, परंतु वास्तव में व्यास पूजा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जिस आश्रम में बैठा हूँ मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा सर्वस्व कुमार चरण सफिया परेश कुमार भक्ति ठाकुर जी का कीर्तन किया, कहते मैं भक्ति सिद्धांत कृपा जी का कुकुर हूँ, मतलब मैं प्रभु गुरुदेव का कुत्ता हूँ और मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ। कौन बोले? महाराज जी बोलने बाद मैं कृपा जी का एक कुकुर हूँ, उन पर समर्पित हूँ और उनके चरणों में बैठा हूँ। आज आप सब लोग मेरी पूजा करने के लिए नहीं आए हो, आज कृपा जी की पूजा करने के लिए आए हो। आपने जो पुष्प अर्पित किए कृपा जी को अर्पित किए उसमें से एक दो पुष्प उनके चरणों में बैठा हुआ था, मेरे भी सर पे गिर गई, कृपा जी का आशीर्वाद लेके मैंने इसे स्वीकार किया और कृपा जी का गुरु उन्होंने व्यास पूजा का अर्थ बताया। व्यास पूजा क्या है? बहुत सुंदर उन्होंने व्यास पूजा किया, उस दिन बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, आयु बहुत ज्यादा हुई थी, प्राणी हमेशा पुरी महाराज जी एक 50,000 हरिनाम करते थे और पूरा दिन ग्रंथों में व्यस्त रहते थे। एक समय आया कृपा जी ने कहा जो लक्ष्य नाम नहीं करते, कृपा जी कहते जो लक्ष्य नाम नहीं करते उनके हाथ का भगवान नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने कृपा जी से निवेदन किया यदि वो समर्पित आत्मा है 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। उन्होंने कृपा जी को कहा कि मैं सेवा व्यस्त रहता, सेवा अधिक होने के कारण नाम ज्यादा नहीं कर पाता, 50,000 नाम करते। कृपा जी ने कहा शिक्षा देने के लिए अपने शिष्य की महिमा को प्रकाशित करने के लिए और शिष्य को पूरा दिन सेवा करते थे। उन्होंने कहा कितने घंटे सोते हो? तो उन्होंने कहा 4 घंटे विश्राम हो पाता है। बोले 4 घंटे में क्या 2 घंटे कम करो और 1,00,000 काम करो। तब उन्होंने गुरुदेव की बातों को स्वीकार करके और 2 घंटे अपने इतना को जोड़कर 1,00,000 काम करके और सारे ग्रंथों का काम करते थे। तो वही अंतिम समय में जब बता रहे थे कृपा जी के तुआ दया सागर तारे प्राणी में
हमारे पुरी महाराज ने आर्टिकल लिखा, प्रभुपाद जी ने अंतिम समय जब अंतिम लीला कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक कीर्तन करो, रूप मंजरी पद भक्त हुआ दया सागर तारे की प्राणी। तो ये जो प्रकाशित किया तो कृपा जी कह रहे अंत में कह रहे मंद भाग नाथ हमारा लास्ट की लाइन में जो कह रहे मेरा पूरा जीवन तुआ दया सागर तारे की प्राणी अनेक नाम अनेक सीता भी आनी। ये नाम प्रभा कितने दयालु है, जगत में दया करके आप में आए और कोई नियम नहीं रखा, कोई काल नहीं रखा विचार का, पर मैं ऐसा मंद भाग्य मेरे नाम में रुचि ले ली। कहते पूरी महाराज जी ने प्रकाशित किया कृपा जी के भाव क्या है, तो महाराज जी बोले कृपा जी ने हाथ में माथे में हाथ रख बोला मंद भाग अतिशय मंद भाग नाथ हमारा, मेरा भाग कितना अतिशय मंद है, इतने दयालु नाम प्रभु आए और कृपा जी की भावना कोई समझ नहीं पाता अगर महाराज जी प्रकाशित नहीं करते। और कृपा जी ने भी 100 करोड़ हरिनाम किया, 100 करोड़ हरिनाम करके बात बोले पूरी महाराज जी पूरा जीवन समर्पित आत्मा, और वो भी बाद में यही जो कीर्तन हमने किया ही किया। और गुरुदेव हमने महाराज जी के मुख से डायरेक्ट सुना नहीं, पर कार्तिक मास में गुरु महाराज जी की प्रभा तिथि आती है, लास्ट के दिन से एक दिन पहले आती है, हमेशा गुरुदेव थोड़ी महिमा जब पहले बरसाना जाते थे हम नंदगांव जाते थे, जब वृंदावन में अंतिम समय 5 दिन परिक्रमा आती थी तब महाराज जी को कुछ बात बोधन महाराज जी हमारे निमंत्रण देते थे, हम गोपीनाथ बड़े मठ में महाराज जी जाते थे वहां पर महाराज जी कुछ उनकी महिमा गाते थे, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया अधिक समय नहीं बस संक्षिप्त हो गए। महाराज जी कहते थे अनुगत बड़ा बहुत बड़ा धर्म है, गुरु निष्ठा तो देखी जाती है कहीं कहीं देखी जाती है, भगवान में निष्ठा गुरु निष्ठा देखी जाती है, पर वैष्णव की सेवा और वैष्णव में निष्ठा देखना बहुत ही दुर्लभ है। परंतु महाराज जी जैसे कि बता रहे थे अभी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद उन्होंने भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य गौड़ में 23 साल तक पत्रिका का उनके गुरु भाई जबकि बाद में आए छोटे गुरु भाई उनके आनंद में काम किया, बाद में बता रहे थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को उनकी कथा के द्वारा वो आई, परंतु जब उन्होंने प्रभुपाद जी की महिमा को लेकर सुजनार पाद युगम और बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिकल उन्होंने लिखे तब उन्होंने उनको गुरु भाई है परंतु उन्होंने उनको सम्मान किया प्रणाम किया उनका अनुगत्य दिखा रहे की गुरु भाइयों में गुरु निष्ठा नहीं बोले गुरु भाइयों में कैसी प्रीति होनी चाहिए और कैसी सेवा की भावना होनी चाहिए कैसा संबंध होना चाहिए। और फिर बाद में बता रहे थे जो कि बहुत ही बाद में आए कुछ बात भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज बता रहे थे कोई आए हरिनाम लेने के लिए बोले कि आप तो ब्राह्मण है हम आपसे लेंगे, तो महाराज जी बता रहे थे तो महाराज जी बहुत क्रोधित हुए हरिनाम देना तो दूर क्रोधित हुए और उनको बोला कि तुम वैष्णव को जाति बुद्धि रखते हो, तो वैष्णव से जो प्रीति होती है वैष्णव में जो सेवा की वृत्ति होती है अब पूरी महाराज जी कभी भी क्रोध नहीं आता था। परंतु जैसे कि एक बार शायद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी और महाराज जी कार में आ रहे थे, तो कार में जब उतरे तो ड्राइवर को पैसे के लिए बंगाल में थोड़ा कभी कभी होता है झगड़ा ड्राइवर को लेकर, तो हुआ जब उतरे तो उन्होंने महाराज जी कुछ बोल दिया भक्ति दैत माधव हाँ पैसे को लेकर कुछ बोला तो उन्होंने कुछ बोला ऐसे जोर से ड्राइवर ने कुछ बोला, तो महाराज जी कभी भी जीवन में कभी क्रोधित नहीं होते थे, तो महाराज जी को इतना वो आया एकदम से बोले कि तुम आप बहुत बंगला है बोले कि चुप ठाकुर बहुत चुप आप कैसे बोल रहे हो गुरु भाई के प्रति कैसे प्रीति ममता होती है। और उन्होंने वहां पर दिखाया बहुत जोर की उन्होंने डांट लगाई, एक बार कुछ बोले महाराज जी बोले थे चटक पर्वत से हम लोग आ रहे थे और वहां पर बाग बाजार गोड़ी मठ के वहां पर सेविक लोग रहते हैं और बाद में हमारे जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो भागों में भी हुआ तो वहां पर मैंने कुछ महाराज जी बोले कुछ बोले भाई मैंने कुछ कमेंट किया वहां पर जो वहां के जो संत लोग थे किसी के ऊपर मैंने बोला तो महाराज जी बोले चुप आप कैसे बोल सकते हो आपका कोई अधिकार नहीं आप मत बोलो ये हमारा गुरु भाइयों का अधिकार है हम बोलेंगे, इसलिए वो हमेशा बोलते थे वैष्णव अपराध है वैष्णव अपराध भक्ति में आगे बढ़ना है तो वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा वैष्णव अपराध के ऊपर एक ग्रंथ लिखा पूरी महाराज जी ने, उसने बताया कि सचिव मैया का जो चैतन्य महाप्रभु को कभी स्वीकार नहीं किया कि वो बहुत सुंदर सुंदर अपराध के ऊपर सारे उन्होंने पूरा एक आर्टिकल बनाया, तो हमेशा वो कहते थे वैष्णव अपराध से हमेशा ही सावधान रहना है, तो उन्होंने हमें ऐसी शिक्षाएं दी है हम भी कभी वैष्णव अपराध से सावधान रहकर गुरु भाई से प्रीति हो वैष्णव वैष्णवता मतलब वैष्णव से प्रीति हो
और गुरु निष्ठा और भगवान की निष्ठा तो बहुत दूर की बात है। कभी ऐसे हम लोग उनके आदर्श पे चल पाए, वो कृपा करे हम भी सेवा कर पाए और उनके पदचिन्हों पे चल के कभी उनकी सेवा कर पाए। गुरुवे गोपचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामीति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय श्री गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम्ने। वाञ्छातन्त्रतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी को बाल भट्ट दास रघुनाथ चरण वंदन श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परमेश्वर विष्णु पाद अष्टोत्कर्ष श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। सपार से सपरिकर श्रद्ध रूपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय हो। सपार से सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय हो। तदनंतर जिन महापुरुष की शुभाविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं, नित्य लीला परमेश्वर विष्णु पाद अष्टोत्कर्ष श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। उनकी आविर्भाव तिथि जय प्रभु। उपस्थित पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत सिद्धांत महाराज, श्रीपाद देश प्रभु, श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी, प्रभु वैष्णव वैष्णवी, श्रील महाराज जी की महिमा श्रोतकारी श्रवण मंडली, सबके चरणों में मेरा बहुत सारे वैष्णव के मुख से श्रीला महाराज जी के विषय में बहुत कुछ सुना है। मेरा अधिक कुछ कहना नहीं है, किंतु जब ये कर्तव्य तो मेरे ऊपर पड़ा है तो दो एक बात श्रीला महाराज जी के विषय में बोल करके कुछ आत्म पवित्रता लाभ करने की मैं भी चेष्टा करूं। हमने सुना पूज्यपाद महाराज जी बतला रहे थे, हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के प्रारंभ में इस विषय को स्पष्ट कर दिया। बड़ा विस्तृत इसके विषय में उन्होंने कहा है, किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये सब लीला कहु नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरो भाव यही मात्र कहे हुए। नित्य वस्तु का अनुसंधान देते उन्होंने कह दिया, ये सब लीला कबू नहीं परिच्छेद, भगवान और भगवान के भक्त उनकी लीलाओं का परिच्छेद नहीं है, परिच्छेद कहने का समापन नहीं है, वो सब तो निरंतर चल रही है। आविर्भाव तिरोभाव एक मात्र नहीं है, भक्त के अधिकार के अनुसार वो कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट है। और भी उन्होंने बतला दिया, ईश्वर जन्म तिथि जो है पवित्र वैष्णव से ही मतो तिथि चरित्र, विशेष करके भगवान की तिथि हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, किंतु वैष्णव की तिथि का उससे भी अधिक गुरुत्व है, क्योंकि जब शास्त्र में यह विचार बदला दिया कि ग्रंथ भागवत से भी कुछ अधिक वैशिष्ट है भक्त भागवत का है, तो भगवान से भी कुछ अधिक वैशिष्ट है भगवान के भक्तों का है, क्योंकि यदि भक्त नहीं हो तो भगवान को जानना संभव है। फिर हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं
कि बौड़ीय साहित्य में आविर्भाव और तिरोभाव ये दो तथ्य है, दो विचार परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों विचार परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण रास से अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान होने के पश्चात गोपियों की विरह वेदना बढ़ी, उन्होंने गोपी गीत का गान किया और कृष्ण रास के मध्य में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छवि, कृष्ण प्रकट हो गए। तो उस विरह के पश्चात में गोपियों ने कृष्ण के साथ जिस मिलन रस का आस्वादन किया उसका विशेष महत्व है। इसलिए विरह के भी बड़े कुछ वैशिष्ट लोग गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में भक्ति रसामृत सिंधु में जी गोस्वामी पाद ने भी संदर्भ में बतलाया है, बहुत कुछ विरह के विषय में कहा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जब भी ब्रज में कोई विरह नहीं चाहता कृष्ण से, ब्रज में कृष्ण से कोई विरह नहीं चाहता, किंतु इस विरह का ऐसा वैशिष्ट्य है कि यह मिलन के सर पर चढ़कर नृत्य करता है, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे। और विशेष करके रूप गोस्वामी पाद ने, गुरु जी बतलाते थे रूप गोस्वामी पाद ने, ना बिना विप्रलंबे संभोगम पुष्टि मश्नुते, यह बात कहकर के इस गौड़ीय साहित्य में, इस गौड़ीय समाज में इस विरह का कितना अधिक आदर है, कितना समादर है, इस बात का दिग्दर्शन प्रदान कर दिया रूप गोस्वामी पाद ने। हम ये बात क्यों सुन रहे हैं? ये बात इसलिए सुन रहे हैं कि आज एक महापुरुष की, हमारे अभिन्न परम गुरु पाद पद्म की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। तो ये आविर्भाव हृदय में होगा कैसे? ये जो आविर्भाव है ये हृदय में होगा कैसे? मुख्य रूप से व्यास पूजा अथवा आविर्भाव अथवा तिरुभाव ये शिष्य के शिष्यत्व का परिचय, गुरु वर्ग शिष्य के शिष्यत्व का परिचय प्रदान करने के लिए सब लीलाएं करते हैं। तो आविर्भाव है और तिरुभाव है, तो हम कितने परिमाण में शिष्य हुए, हमारे शिष्यत्व के परिचय का आज दिन उपस्थित हुआ है, जिसको प्रभुपाद जी कहते थे जजमेंट डे। हम कितने परिमाण में शिष्य हुए, हमने कितने परिमाण में उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया, हम कितने परिमाण में वास्तविक रूप में उनको गुरु धारण कर सके, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कान में मंत्र पूति रही शिष्य हुआ जाएगा। कान में केवल मंत्र भोगवा लेने से शिष्य होता नहीं, यदि कान में मंत्र भोगवाने से शिष्य होते तो पूरी भागवतीय गुरु परंपरा ही भंग हो जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो कोई मंत्र नहीं भोगवाया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, रूप गोस्वामी जी ने भी कोई मंत्र नहीं भोगवाया महाप्रभु जी से। तो वास्तव में शिष्य और शिष्यत्व का परिचय शरणागति से है। इसीलिए भागवतीय गुरु परंपरा का पंचरात्रि गुरु परंपरा से विशेष वैशिष्ट्य हमारे बड़े साहित्य में बतलाया गया है। इस भागवतीय गुरु परंपरा का भी कुछ विशेष वैशिष्ट्य है, क्योंकि जहाँ आचार विचार के प्रति विशेष आदर है और शरणागति है, जहाँ आचार विचार के प्रति विशेष आदर और शरणागति है, उसको ही वास्तव में शिष्यत्व कहा गया, वही शिष्यत्व का परिचायक है। इसलिए बहुत समय गुरु के साथ में साक्षात संबंध होने पर भी वो संबंध इतना मान्य नहीं है। वेद व्यास जी के साथ में मध्वाचार्य जी का क्या संबंध हुआ? वेद व्यास जी के साथ में तो मध्वाचार्य जी का क्या संबंध हुआ? बाह्य दृष्टि से तो कोई संबंध नहीं, बद्रिक आश्रम में एक बार मिले, किंतु भागवती गुरु परंपरा में तो वेद व्यास जी शिष्य हैं उनके। तो इसलिए जहाँ पर आचार विचार के प्रति विशेष आदर है और विशेषकर शरणागति है, वहीं पर शिष्यत्व का परिचय है। बिना शरणागति के, बिना आचार विचार के शिष्यत्व का परिचय नहीं है, चाहे कान में मंत्र भी भुगवा दिया हो। यही गौड़ीय साहित्य में गुरु शिष्य के संबंध के विषय में विशेष परिचय दिया गया है। तो हम आविर्भाव तिथि का पालन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन महापुरुष का तो बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है और जड़ जीवा से अल्प ज्ञान, अल्प आयु, अल्प बुद्धि से उनके विषय में क्या कहा जाए, किंतु जिस प्रकार गंगा जल से गंगा पूजा करने की विधि है, उसी प्रकार कुछ एक बात हम कहकर कुछ अपना ही मंगल करने की चेष्टा मात्र करेंगे। व्यास पूजा के संबंध में इन महापुरुष ने बड़ी अच्छी अच्छी कुछ बातें समय समय पर बतलाई हैं। दो एक कुछ चीजें मैं संग्रह करके लाया हूँ, उसको आपके साथ में बांट लूं, समय भी संक्षिप्त है। विशेष करके एक बड़ी अच्छी बात मुझे स्मरण हुई, बार 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 हमारे महाराज जी ने बतलाया और प्रभु जी ने बतला रहे थे। श्रील भारती गोस्वामी महाराज इस बात को प्राय कहा करते थे कि शास्त्र के उपदेश बहुत सारे हैं, शास्त्र में तो सब स्थानों पर जीव कल्याण का उपदेश प्रदान किया गया है, शास्त्र वास्तव में है क्या? शास्त्र का यदि अर्थ भी करो तो यही है, जो शिक्षा दे, जो सत शिक्षा दे वही शास्त्र है। तो शास्त्र में तो असंख्य असंख्य जीव कल्याण के उपदेश है, किंतु उसको जीवन में, श्रीला महाराज जी शब्द व्यवहार करते थे, उसको जीवन में जो प्रैक्टिकल आचरण करके दिखला दे, जीवन में जब उसका प्रैक्टिकल आचरण करके दिखलाया जाए, तब हम बद्ध जीव उसके निकट में कुछ टची फील करते हैं।
तो हमारे गुरुवर को एक विशेष वैशिष्ट है, वो जो कह रहे हैं उसको वो जीवन में करके दिखाते हैं, तो इसलिए उनके निकट में हमको संबंध कुछ अधिक प्रतीत होता है। भगवान का तो हमने दर्शन किया नहीं, शास्त्र भी अगाध है। कबीराज गोस्वामी जी ने तो कह दिया शास्त्र का तो तुलना खुले आकाश से कर दी, और जिसका जितना सामर्थ्य है उड़ ले, शास्त्र का तो इतना परिचय, एक एक श्लोक की महाप्रभु जी ने 18 प्रकार की व्याख्या कर दी आत्मरामस्य मुनि श्लोक की, तो शास्त्र तो अथात है अगाध है, किंतु जो उसका आचरण करके दिखला दे उन महापुरुषों का विशेष वैशिष्ट्य है, क्योंकि वो थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाएंगे। तो इसलिए इस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग समुपस्थित हुए, आविर्भाव तिथि है महाराज जी की, ये आविर्भाव वास्तव में हृदय में होगा कैसे, और आविर्भाव का आविर्भाव कहने का अर्थ भी क्या है, इसको भली भांति समझना है। जब तक विरह ना हो तब तक आविर्भाव नहीं होगा, यही बात हम सुन रहे हैं, जब तक विरह ना हो तब तक आविर्भाव नहीं होगा, अथवा विरह से पहले जो आविर्भाव है, विरह के पश्चात के आविर्भाव से उसका गुरुत्व उसका वैशिष्ट्य कुछ अल्प बतलाया गया। विरह के पश्चात में जब गोपियों ने कृष्ण का दर्शन किया तो कुछ अद्भुत ही कृष्ण का दर्शन हुआ, और वो सब कहने सुनने का हमारा अधिकार नहीं। इसलिए गुरुवर्गों के साथ में जब संबंध हुआ, जितने परिमाण में हम शरणागत हुए, जितने परिमाण में उनके आचार विचार के प्रति हमारा आदर हुआ, उतने परिमाण में हम शिष्य कहलाए, उतने ही परिमाण में हम शिष्य कहलाए, उतने परिमाण में हमको गुरु ने स्वीकार किया, इसी का ही नाम वास्तव में व्यास पूजा है, इसको ही आविर्भाव कहा जाता है। तो वास्तव में आविर्भाव हमारे हृदय में होना उचित है, और आविर्भाव किस प्रकार होगा, जितने परिमाण में हम शरणागत, जितने परिमाण में हमने उनके आचार विचार को ग्रहण किया। श्रीला महाराज जी कहते हैं कि श्री भगवान के मुख से विनिर्गित कथामृत का वितरण करने के कारण ही श्री गुरुदेव का व्यासत्व है। आज हम व्यास पूजा करने के लिए उपस्थित हुए। व्यास शब्द का अर्थ क्या है, विस्तार यदि इति व्यास, जो विस्तार करे, किस वस्तु का विस्तार करेंगे, भगवान ने जो कुछ कहा है, जो कुछ उपदेश दिया है उसका ही वो विस्तार करेंगे, इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। तो इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं श्री गुरुदेव का व्यासत्व भी किस वस्तु में है, पहले गुरु के पक्ष में बात गई कि गुरुदेव का व्यासत्व किस में है, वो भगवान की कथाओं का, भगवान के मुख से जो विचार निकला उसका वो सारे जगत में आचरण के साथ प्रचार करते हैं। श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का एक बड़ा अच्छा उपदेश है, उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी बड़े प्रचार प्रमोदी थे, श्रीला प्रभुपाद बड़े प्रचार प्रमोदी थे, किंतु आचार रहित प्रचार का श्रीला प्रभुपाद जी ने आदर नहीं किया, और विशेष करके प्रभुपाद जी ने बात लिख दी, प्राणहीन सब कृष्ण गाथा प्राणहीन, ये तो बात कही प्राण आचार से हेतु प्रचार। एक और बात प्रभुपाद जी ने कही कि प्राणहीन जतो कृष्ण गाथा शब, यदि प्राण ही ना हो तब फिर शरीर क्या है, शरीर तो शब है, तो यदि प्राणहीन प्रचार है तो वो प्राणहीन प्रचार की तुलना किससे की है, शव से की है, तो वो प्राणहीन होने का अर्थ क्या, यदि शरणागति नहीं है गुरु के चरणों में, यदि शरणागति नहीं है तब फिर वो प्रचार क्या है, वो तो मृत प्राय है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी प्रचार प्रमोदी तो थे किंतु आचार रहित प्रचार का प्रभुपाद जी ने विशेष आदर नहीं किया। इसलिए श्री महाराज जी कहते थे प्रभुपाद जी आचार सहित प्रचार प्रमोदी थे, उन्होंने के स्थान पर बात कही श्री प्रभुपाद आचार सहित प्रचार प्रमोदी थे। तो इसलिए महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वास्तविक गुरु पूजा क्या है, हम गुरु पूजा करने के लिए उपस्थित हुए, वास्तविक गुरु पूजा क्या है। महाराज जी कहते हैं अपने स्वतंत्र विचारों को, अपने स्वतंत्र विचारों को, जटिल विषय है किंतु मन और कान देंगे तो समझ में आएगा, तो समझिएगा ध्यान से। महाराज जी कहते हैं अपने स्वतंत्र विचारों को संपूर्ण रूप में विसर्जन करके, हमने जड़ जगत में जन्म लेकर जो कुछ विचार ग्रहण किया अपने मन बुद्धि से, जिस संग से भी ग्रहण किया, उन सब स्वतंत्र विचारों को संपूर्ण रूप में विसर्जन करके, एक बात, दूसरी बात, सर्वांतकरण से काय मन वाक्य के द्वारा श्री गुरु पाद पद में आत्मसमर्पण करके, सर्वांतकरण से केवल मौखिक नहीं, हम गुरु के शरणागत हो गए, केवल मौखिक नहीं, सर्वांतकरण से और काय मन वाक्य से श्री गुरु चरणों में आत्मसमर्पण करके उनके आचार विचार का अनुसरण करते हुए, तीसरी बात क्या है, उनके आचार विचार का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य मनोभीष्ट संस्थापक वर श्री रूपानुग अभिमानी श्री गुरुदेव का मनोभीष्ट पूर्ण करना ही वास्तविक पूजा है। देखो पांच बात बदलाई, मैं फिर दोहरा देता हूँ। पहली बात क्या है, अपने स्वतंत्र विचारों को संपूर्ण रूप में विसर्जन करके, एक बात, दूसरी बात है सर्वांतकरण से काय मन वाक्य से श्री गुरु पाद पद में आत्मसमर्पण करके, उनके आचार विचार का अनुसरण करके श्री चैतन्य मनोभीष्ट संस्थापक वर
श्री रूपारूप अभिमानी श्री गुरुदेव का मनोवेश पूर्ण करना ही वास्तविक गुरु पूजा है। तो हम अनुमान लगा लेंगे हम कितने परिमाण में वास्तविक गुरु पूजा कर रहे हैं। अब यदि कहो हमारी इस गुरु पूजा का कोई सुफल नहीं है, हम जो गुरु पूजा कर रहे हैं इसका कोई सुफल नहीं है, श्रीला महाराज जी कहते हैं सुफल है। उस वास्तविक गुरु पूजा के लिए हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये साधन है। हम वैसी गुरु पूजा कभी कर सके, हमारे जो गुरु पाद पद्म रूपानुग अभिमानी है और वो रूप गोस्वामी जी का मनोविष्ट पूर्ण कर रहे हैं, उनके मनोविष्ट में अपने आप को सब प्रकार से नियोजित कर देना, ये वास्तविक गुरु पूजा है। अब हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो ऐसा करने की जो चेष्टा है, जो हम अंततः उनकी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, उनकी महिमा को सुन रहे हैं, उनके शब्दों को सुन रहे हैं, उनके आचार विचार को सुन रहे हैं और उसको धारण करने की यदि हृदय में निष्कपट चेष्टा है, इच्छा है, तो ये गुरु पूजा क्या है, उस वास्तविक गुरु पूजा का साधन है। तो हम साधन कर रहे हैं, इसको उन्होंने वास्तविक गुरु पूजा बतलाया। वो कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह करे तारे चिदानंदमय, अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजे। दीक्षा के समय शिष्य के लिए विधि क्या है, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करना, यही वास्तविक दीक्षा की विधि है। उन्होंने बतला दिया जितने परिमाण में हमने आत्मसमर्पण किया, जितने परिमाण में उनके आचार विचार को ग्रहण किया, उतने परिमाण में ही हम शिष्य कहलाए। ये आवश्यक नहीं है कि हमारा गुरु से साक्षात्कार हुआ हो, क्योंकि गुरु तो नित्य वस्तु है, गुरु तो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु के निकट में संपर्क होने पर भी वास्तव में संपर्क हुआ कि नहीं, यही विचारणीय विषय है। गुरु के साथ में हम परम गुरु जी लिखते हैं स्थान पर, गुरु के साथ में हम अभिमान करते हैं हमारा संबंध हुआ, हमने गुरु की सेवा भी की, हम गुरु के निकट में भी रहे बहुत दिन, किंतु वास्तव में हमने जिस तत्व का दर्शन किया वो तत्व है जो वो हमको दर्शन कराना चाहते हैं। विषय थोड़ा जटिल हो रहा है, समझना ध्यान से। हमने गुरु के चरणों में शरणागत अथवा गुरु का आश्रय ग्रहण किया, मुख से तो अंततः किया, मैं अपनी बात करूं, मुख से तो अंततः किया और यह भी कहते हैं कि गुरु के निकट में रहे, गुरु की सेवा भी की, किंतु वास्तव में गुरु के उस स्वरूप का हम दर्शन कर सके, गुरु के उस स्वरूप की हम सेवा कर सके, अथवा हम वंचित हुए। क्योंकि यदि परम गुरु जी कहते किसी प्रकार की जागतिक कामना, किसी प्रकार की लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना लेकर गुरु के निकट में जाएंगे तो वंचित द्रवणादि भी वो हमें वंचित कर देंगे। और परम गुरु जी कहते श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ये वंचना लीला बहुत दिखलाई थी, और श्रील प्रभुपाद जी ने तो स्पष्ट एक स्थान पर कहा है, कुछ लोग समझते हैं नौका पार करने के लिए नाविक रखने की आवश्यकता है, वाहन पर चढ़ने के लिए वाहन चालक रखने की आवश्यकता है, तो ऐसे ही ये गुरु भी रख लेते हैं। तो जिन्होंने ये विचार करके मेरे साथ में संपर्क किया, मेरा उनके साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हुआ, जिन्होंने केवल औपचारिकता बस मुझको गुरु ग्रहण कर लिया, उनका मेरे साथ में कोई संबंध नहीं हुआ। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते थे शिष्य के पक्ष में आचार्य की कृपा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होना आवश्यक है, शिष्य के पक्ष में आचार्य की कृपा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल योग्य होना आवश्यक है। योग्यता क्या है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इंग्रीडियंट्स इंटेलिजेंस के अभाव में कृपा प्राप्त नहीं होगी। इंग्रीडियंट्स क्या है, काय मन वाक्य को समर्पण करना। इंटेलिजेंस क्या है, सेवोन्मुक्तता, जितने परिमाण में हम काय मन वाक्य से को समर्पित करके सेवोन्मुख हुए हैं उतने परिमाण में ही गुरु कृपा के अधिकारी हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक और स्थान पर कहा नैषां मति स्तावत् गुरु कर्मांग्री स्पर्शत तदर्थं गमो यदर्थं मह्येषां पाद रजोभिषेकं निश्चिञ्चनानां न प्रणीत्यावत्। जब तक संपूर्ण रूप में काय मन वाक्य से सर्वांतकरण से गुरु चरणों में शरणागत नहीं होंगे तब तक हिडन ट्रूथ विल नेवर बी एक्सपोज्ड टू ह्यूमन सेंसेस। जब तक सर्वांतकरण से काय मन वाक्य से गुरु चरणों में शरणागत नहीं होंगे तब तक हिडन ट्रूथ विल नेवर बी एक्सपोज्ड टू ह्यूमन सेंसेस। भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का परिकर वैशिष्ट्य क्या है, ये सब जो हिडन ट्रूथ है हमारे हृदय में नहीं आविर्भूत होगा। तो इसलिए आविर्भाव शब्द का जो मूल लक्ष्य है, आविर्भाव कहने का जो मूल अर्थ है वो क्या है, संपूर्ण रूप में जब काय मन वाक्य से सर्वांतकरण से गुरु चरणों में हम शरणागत होंगे तब उनके हृदय की जो संपत्ति है ना, उनके हृदय का जो धन है, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं तब वो हमारे हृदय में संचरित होगा। भगवान स्वतंत्र है तो किंतु अपनी इच्छा से ही भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान स्वतंत्र होने पर भी अपनी इच्छा से भक्तों के अधीन है। इसी प्रकार से भक्ति भी संपूर्ण रूप में स्वतंत्र होने से ही केवल मात्र भक्त के हृदय से ही हमारे हृदय में संचरित हो सकती है। भक्ति प्राप्त करने का और कोई उपाय ही नहीं है। भक्त्या भागवत ग्राह्यम ना बुद्ध्या ना चाटिकया, केवल भक्त के हृदय से ही भक्ति आ सकती है, हमारे हृदय में संचरित हो सकती है। इसलिए भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है
संपूर्ण रूप में सर्वांत करण से काय मन वाक्य से गुरु चरणों में शरणागति, जिन्होंने जितने परिमाण में शरणागति को ग्रहण किया उतने परिमाण में ही शिष्य कहलाए, उतने परिमाण में ही सेवक कहलाए। तो इसलिए माता जी ने इस विषय में बहुत सारी बातें कही है, समय प्राय हो चला है। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, कहने को तो बहुत कुछ था किंतु एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही। वो कहते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने आदि मध्य और अंत, श्रीला प्रभुपाद ने आदि अर्थात आरंभ में, बीच में और अंत में सब समय केवल एक ही उपदेश दिया है, क्या? शुद्ध भक्त का अनुशीलन करना। श्रीला प्रभुपाद जी के समस्त उपदेशों का सार स्वरूप श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं, आदि मध्य और अंत में एक ही उपदेश है प्रभुपाद जी का, वो क्या है? शुद्ध भक्त का अनुशीलन करना। और उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट ये बात कही है, महंत गुरु के प्रकट होने के पश्चात, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं महंत गुरु के प्रकट होने के पश्चात तत् स्थानीय उनके ही समान किसी वैष्णव का आश्रय लेना साधन का कर्तव्य है, नहीं तो साधन में प्रगति नहीं होगी। अब यहाँ पर कोई संकीर्ण विचार नहीं है, ये बड़ा विस्तृत विचार है, बड़ा अत्यंत विस्तृत विचार है कि महंत गुरु के प्रकट होने के पश्चात तत् स्थानीय उन्हीं के समान किसी वैष्णव का आश्रय ग्रहण करना, किसी वैष्णव का अनुसरण करना, ये साधन मात्र का कर्तव्य, उन्होंने कर्तव्य बदला है इसको और स्पष्ट कह दिया, नहीं तो साधन में प्रगति नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं श्रीला प्रभुपाद जी का आदि बीच और मध्य में एक ही उपदेश है, शुद्ध भक्तों का अनुशीलन करना, अनुसरण करना। अब यदि कहो गुरुवर तो प्रकट होकर तत् स्थानीय भी कोई नहीं है, यदि प्रश्न करो तो उन्होंने इसके विषय में बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ा सुंदर उन्होंने इस विषय को स्पष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि श्री गुरु पादपद्म के मुख मिश्रित वाणी, जो गुरु पादपद्म की कथाएं हैं उनको अथवा गुरु जी की वाणी को गुरु जी के ग्रंथ लिपि और सामयिक पत्र आदि में, गुरु जी ने किसी को पत्र के संबंध में पत्र के माध्यम से कुछ उपदेश दिया है, इन सब की इष्ट गोष्ठी करते हुए, समझ आई बात? इस सब की गुरु जी की वाणी की, गुरु जी ने जो ग्रंथ प्रकाशित किए, गुरु जी ने पत्र पत्रिका इत्यादि प्रकाशित किया, उस सब की इष्ट गोष्ठी करते हुए और इष्ट गोष्ठी की विशेष भाव से चर्चा करते हुए उनके अभिष्ट संपादन में यत्नवान होना होगा, इसी का नाम गुरु सेवा है। जब तक गुरु पाद पद्म प्रकट है उनका साक्षात संग है, संग करेंगे। गुरु पाद पद्म प्रकट हो गए उनके पश्चात तत् स्थानीय किसी महाभागवत का आश्रय लेंगे, जो बुद्धिमान साधक है वो किसी महाभागवत का आश्रय लेंगे, अथवा यदि इस तत् स्थानीय गुरु स्थानीय कोई वैष्णव नहीं है तब क्या करेंगे? तो उन्होंने बतला दिया कि गुरु पाद पद्म की जो मुख निश्रित वाणी है, ग्रंथ है, पत्र पत्रिका है, उसकी विशेष भाव से इष्ट गोष्ठी करते हुए बैठ करके उन्हीं की चर्चा करते हुए क्या करेंगे? उनके अभिष्ट संपादन में यत्नवान होंगे, इसी का इनाम उन्होंने गुरु सेवा बतला दिया। तो इसलिए श्रीला महाराज जी के ये बड़े गंभीर गंभीर उपदेश है, हमको ये निर्णय करना है कि हम कितने परिमाण में इन सबका अपने जीवन में पालन कर पा रहे हैं, कितने परिमाण में शुद्ध भक्तों का अनुशीलन कर पा रहे हैं, अनुसरण कर पा रहे हैं, इसी का इनाम विशेष रूप से व्यास पूजा है। मैं बस दो एक बात और कहकर यहाँ समाप्त कर दूं, फिर प्रभु जी बतलाएंगे। अभी हमने एक बड़ी अच्छी बात सुनी कि किस प्रकार का उनका संबंध था अपने गुरु भाइयों के साथ में, उनका आदर्श बड़ा विशेष, बड़ा वैशिष्ट था उनका। जिस प्रकार महाप्रभु जी अपने साथ में अपने परिकर को लेके आए, महाराज जी बतला रहे थे और एक एक परिकर के माध्यम से उन्होंने एक एक आदर्श को जगत में स्थापित किया, श्रीला प्रभुपाद जी अपने गणों के साथ में आए, एक एक गण के साथ में उन्होंने एक एक आदर्श को स्थापित किया। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, श्रीला प्रभुपाद कहते थे कर्मी संप्रदाय का आदर्श भिन्न है, ज्ञानी संप्रदाय का आदर्श भिन्न है, भक्त संप्रदाय का आदर्श है तृणादपि सुनिष्ठा, श्रीला प्रभुपाद कहते थे। और ये तृणादपि सुनिष्ठा जो है इसको भक्ति राज्य का आभूषण बतलाया, ये भक्ति राज्य का आभूषण है, ये भक्त का आभूषण है, ये जो तृणादपि सुनिष्ठा है ये भक्त का आभूषण है। और जिसके पास में जितना अधिक ये संपत्ति या आभूषण है वो उतना अधिक धनवान है। तो हम विचार कर सकते हैं हमारे श्रीला महाराज जी कितने अधिक धनवान थे, उनका कैसा अद्भुत आदर्श था। अभी सुने आप लोगों ने सौवीं व्यास पूजा पर उनके जो शब्द थे, तो कितने गंभीर परिमाण में वो श्रीला प्रभुपाद जी के उस आचार विचार रूपी जो संपत्ति है उसमें वो धनी थे, कितने परिमाण में उन्होंने ग्रहण किया उस वस्तु को, कितने परिमाण में वो उसमें सुप्रतिष्ठित थे। इससे हम उनके आदर्श चरित्र से अनुमान लगाएंगे कि वो कितने उन्नत स्तर पर थे और कितने उन्नत स्तर पर होने पर भी वो कितने साधारण थे।
यही महापुरुषों की आदर्श दृष्टि भंगी है। अत्यंत उन्नत स्तर होने पर भी वो जिस प्रकार का आदर्श दिखाते हैं कि एक साधारण सा जीव भी उनके साथ में जिस प्रकार का कम्युनिकेशन रख सकता है, जिस प्रकार का परस्पर संबंध स्थापित कर सकता है, यही उन महापुरुषों का विशेष वैशिष्ट है। हमारे परम गुरु महाराज जी की अप्रगट तिथि पर वर्ष 1988 में श्रीला महाराज जी ने एक पत्र के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से हमारे परम गुरु जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पण की। और इसमें जो विशेष लक्ष्य करने वाली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, श्रीला प्रभुपाद जी का जो उपदेश है आदि मध्य और अंत में शुद्ध भक्त का अनुशीलन करना, कितने परिमाण में श्रीला महाराज जी उस विषय में, उस विचार में सुप्रतिष्ठित थे, कैसा अद्भुत उनका आदर्श था। अभी हमने एक बात सुनी है कि कोई एक भक्त उनके निकट में आए, श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी हमारे बतलाते थे, उनका नाम श्री नारायण बंदोपाध्याय था, बेहाला में रहते थे जहाँ श्रीला भक्ति गोविंद संत गोस्वामी महाराज जी का मठ है, वहां पर वो रहते थे और खदीरपुर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो गए थे कभी जगन्नाथपुरी में कार्तिक मास में, उन्होंने श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनसे कथा सुनी। प्राय वो कथा में नहीं बैठते थे, उनकी पत्नी बैठती थी, महाराज जी बतलाते थे, प्रकाशित भी हुआ है, प्रभु जी ने उस विषय को प्रकाशित भी किया है। तो वो किसी की कथा में नहीं बैठते थे, किंतु महाराज जी ने एक दिन भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान कैसे बदान्य है, भगवान कैसे कृतज्ञ है, तो उन्होंने महाराज जी की कथा सुनी कि नारायण बंदोपाध्याय जी ने ब्राह्मण कुल के थे, बंदोपाध्याय अर्थात उच्च ब्राह्मण कुल के थे, उन्होंने महाराज जी की कथा सुनी और बड़े प्रभावित हुए महाराज जी की कथा सुनकर, और महाराज जी के ही संघ से, महाराज जी के ही परिचय से वो बेहाला में जहाँ श्रीला भक्ति गोविंद संत गोस्वामी महाराज जी का मठ था वहां जाकर संघ करते उनका, किंतु दीक्षा लेने के लिए आए कोलकाता में श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी के निकट में। जब उन्होंने पूछा उनसे, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी ने, आपने दीक्षा उनसे क्यों नहीं दिया, आप उनकी कथा सुनते हो, तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण शरीर हैं, किसी ब्राह्मण वैष्णव के निकट में दीक्षा लेने की हमारी इच्छा थी। तो श्रीला महाराज जी ने उनको बड़े भली भांति शास्त्र के विचार से उनको समझाया कि वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि करना उचित नहीं है, अपराध है, और निकट की गंगा को छोड़ करके कोई दूर के कुंड में जाकर स्नान नहीं करता, आप जाइए उनसे उनका ही आश्रय ग्रहण कीजिए। ये जो विचार है, ये जो दृष्टिभंगी है, इसके भीतर में शास्त्र के सारे उपदेश समन्वित हैं। यदि आप विचार करके देखें कि वैष्णव राज्य की, वैष्णव जो समाज है ना, इसकी भित्ति ये जो त्रिनादपि सुनिष्ठा है, यही वैष्णव का आभूषण है। ये जो अनुसरण अनुशीलन करने की बात हम सुनते हैं, ये सब क्या है, ये वैष्णव राज्य का आभूषण स्वरूप है, संपत्ति स्वरूप है। उनको अपने छोटे गुरु भाई जिनको स्वयं मठ में लेकर के आए थे, उनके निकट में भेज दिया। तो यहाँ केवल और केवल जीव कल्याण की ही इच्छा है, यहाँ केवल जीव का ही मंगल हो उसकी इच्छा है, उसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है। जीव कल्याण, जीव के मंगल की इच्छा है, और वो जानते हैं भली भांति, उनके वैशिष्ट्य को भी जानते, तो छोटे होने पर भी उनके निकट में भेजा। तो इसलिए केवल और केवल जीव कल्याण की इच्छा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने स्पष्ट किया इस विषय को अपने कीर्तनों में, कवे जीव दया हई वे उदय निज सुख भूली सुदे हृदय, भक्ति विनोद करिया विनय श्रिया क्या टहल करी बिन प्रचार। तो जब जीव कल्याण की इच्छा है, जीव को भगवत धाम ही पहुंचाना है, मेरे द्वारा हो या इनके द्वारा हो उसमें तो कोई असुविधा नहीं है, इसलिए भेज दिया। तो केवल और केवल जीव के मंगल की इच्छा है, यही सदगुरु का आदर्श भी है। तो इसलिए कैसा उनका अद्भुत आदर्श था, उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे परम गुरु जी को लिखा। वो कहते हैं आज आपकी पूज्यपाद महाराज, पहले तो उन्होंने संबोधन किया, कहते त्रिनंदी गोस्वामी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज की तिरुभाव तिथि पूजा के अवसर पर उनके श्रीपाद पद्म में दासानुदास जीवाधम का निवेदन। वो भी उनके गुरु भाई थे, परम गुरु जी उनसे ज्येष्ठ अवश्य थे किंतु थे उनके गुरु भाई, किंतु श्रीला महाराज जी का कैसा अद्भुत आदर्श था और कैसा संबंध था। वास्तव में ये महापुरुष किस विचार में सुप्रतिष्ठित थे, कभी कभी मैं मन में विचार करता हूँ कि ये क्या सोचते होंगे, ये जो हमारे गुरुवर्ग है निसंदेह लीलाओं का चिंतन करते होंगे, कुछ ऐसा होगा अनुभव तो नहीं है हमको, किंतु मैं मन में विचार करता हूँ कभी कभी कि इनके मन में हरिनाम करते हुए, भक्तों के साथ में परस्पर वार्तालाप करते हुए, उनके मन में क्या विचार आते होंगे। हम तो जड़िए लोग हैं, हमारे मन में सब समय जड़िए विचार आते हैं, इनके मन में कैसे कैसे विचार आते होंगे। और जो विचार आते हैं वही, जब किसी का नाम आया, हमने इनका नाम लिया, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा, कुछ ना कुछ दोष दर्शन होगा, हमको ऐसा एक बार बोला था। किंतु जब गुरुवर्गों के मन में, अपने गुरु भाइयों के विषय में कुछ विचार आएगा अथवा उनकी कोई स्मृति होगी, उनके मन में क्या विचार आते होंगे, उसी को वो प्रकट करते हैं। वो लिखते हैं आज आपकी अप्रकट तिथि पूजा है, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरु जी के लिए लिख रहे हैं, आज आपकी अप्रकट तिथि पूजा है, किंतु परम आराध्य श्री गुरु पाद पद्म के निज धन, अपने गुरु भाई को
वो किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं कि आप परम आराध्यतम श्रीला प्रभुपाद जी के निज जन हैं और उनकी नित्य सेवा में संरत हैं, सम्यक रूप में नरत आप ठीक ठीक रूप में प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए हैं। अपने अप्रकट काल में देखिए अप्रकट का और प्रकट का बड़ा गहरा संबंध है, ये विरह और मिलन का बड़ा गहरा संबंध है, दूसरे के पूरक है और इसको इन महाजनों के शब्दों में महाजनों की वाणी में सर दिग्दर्शन प्राप्त होता है, जिनका जैसा अधिकार जिनका जैसा संस्कार वो उसको समझ पाएंगे। तो इसमें बड़ा गंभीर बात महाराज जी कहते हैं, अपने प्रकट काल में अपने परम प्रिय स्थान श्रीधाम नवदीप मायापुर में नित्य प्रकट लीला आविष्कार करके श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव क्षेत्र श्री वृंदावन से अभिन्न श्री धाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद की नित्य सेवानंद में विभोर है। वाक्य लंबा हो गया, मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ। वो क्या बतला रहे हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टिकोण से आपने अपनी प्रकट लीला की है, क्या बतला रहे हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टिकोण से आपने अपनी प्रकट लीला की है किंतु आप प्रकट रूप में साक्षात अपने अत्यंत प्रियतम स्थान जो मायापुर में श्री चैतन्य मठ है वो आपका अत्यंत प्रियतम स्थान है। बाह्य दृष्टिकोण से आपने प्रकट लीला की है किंतु आंतरिक रूप से आप नित्य उस चैतन्य मठ में प्रकट रहकर प्रभुपाद जी की सेवा में नित्य संगत है, ये उनका दर्शन है। इसको कहते हैं वैष्णव दर्शन। वो क्या दर्शन कर रहे हैं परम गुरु जी का, यही आश्चर्य की बात है। फिर कहते हैं और साथ में आपके परम प्रिय सतीर्थ बांधव श्री नरहरि दास भी आपके प्रधान सहायक के रूप में आपके साथ श्री प्रभुपाद की नित्य सेवा में रहते हैं। श्री नरहरि सेवा करके प्रभु जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद जी के गण थे, परम गुरु जी के साथ उनका बड़ा गंभीर संबंध था, तो उनके विषय में भी वो कह रहे हैं। फिर देखिए श्रील महाराज जी का कैसा आदर्श है, कहते हैं आपके इस अधम सती कनिष्ठ भ्राता ने अपने प्रथम जीवन में आप दोनों के स्नेह से धन्य होकर अपने विषय में कह रहे हैं। अब इस संबंध के गुरुत्व को अनुभव कीजिए, वैष्णवों का कैसा परस्पर प्रेम है, हमारे गुरुवर्गों का कैसा परस्पर प्रेम है। कहते हैं आपके इस अधम सती कनिष्ठ भ्राता ने अपने प्रथम जीवन में आप दोनों के स्नेह से धन्य होकर परम गुरु जी और नारहरि सेवा के प्रभु जी के कह रहे हैं, आपके इस कनिष्ठ भ्राता ने अपने पारमार्थिक जीवन के प्रथम भाग में जब वो मठ में आए तो नारहरि सेवा के प्रभु जी मठ रक्षक थे और परम गुरु जी मैनेजर थे मठ के, सारी प्रभुपाद जी की जमींदारी की वो देखभाल करते थे। तो दोनों को लक्ष्य करके कह रहे हैं आपके श्री चरणों के सानिध्य में आप दोनों के स्नेह से धन्य होकर दीर्घ समय तक परम आराध्य श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों की सेवा का मैंने सुयोग प्राप्त किया। फिर कहते हैं वह एक समय था जब आपने अपने अपूरंत स्नेह भंडार से, अपूरंत समझते क्या होता है, एक मटके में कुछ भरा हुआ है और वो फूट फूट करके बाहर निकल रहा है, उसको कहते हैं अपूरंत। तो ऐसे अपूरंत स्नेह भंडार, आपका जो स्नेह भंडार वो मुझ पर उमड़ता रहता था बार बार उसको स्मरण कर रहे हैं। वो कहते हैं आप दोनों ने अपने अपूरंत स्नेह भंडार से युक्त होकर इस अयोग्य अधम भ्राता को कितना ही सेवा उत्साह प्रदान किया था। उस समय मैंने विचार किया था कि मैं आप दोनों के आश्रय में रहकर प्रभुपाद जी की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा, ये उनके भावना है परम गुरु जी के प्रति। हम अनुमान लगा सकते हैं उनका कैसा संबंध है। तो जब हम ये बात सुनते हैं ना, स्पष्ट रूप में कह दूं, जब हम ये बात सुनते हैं कि ये मेरा मठ है, ये तेरा मठ है, ये उसका मठ है, इसका मठ, हृदय को बड़ी गंभीर वेदना होती है कि हम कौन है इस मठ को, ये तेरा मठ, ये मेरा मठ, ये उसका मठ, ये इसका मठ कहने वाले, हमारा अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। अरे इन गुरु भाइयों का इनका जैसा परस्पर संबंध, जैसी परस्पर प्रीति है जिसमें वो सुप्रतिष्ठित है, वो लक्ष्य करने का विषय है, ना कि ये लक्ष्य करने का विषय कि ये हमारे मठ का, ये तुम्हारे मठ का है कहीं पर ये विचार। और ये वो उस समय में लिख रहे हैं जब गोपीनाथ घोड़े मठ स्थापित हो चुका था, 8 मास हो गए थे गोपीनाथ घोड़े मठ को स्थापित हुए, और समय तो हो चला है किंतु मैं बस यही समाप्त कर दूं कि वो क्या लिख रहे हैं इस विषय में, ये लक्ष्य करने की बात है, बड़ी गंभीर बात है, कैसा इनका अद्भुत संबंध है और कैसे विचार में वो सुप्रतिष्ठित है। तो हम कौन होते हैं, ये हमारे गुरु जी है, ये तुम्हारे गुरु जी कहने वाले, अरे सब एक ही तो है, प्रभुपाद जी का कुटुंब है, ये तो प्रभुपाद जी का कुटुंब है। हमने गुरु महाराज जी के जीवन में देखा, हमारे गुरु महाराज जी, अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा क्या थी वो नहीं बतलाऊंगा, हमारे गुरु महाराज जी का क्या विशेष वैशिष्ट था। हम कहते हैं हमने कान में मंत्र पाया, हम शिष्य हुए, किंतु हम शिष्य है वास्तव में, शिष्य तो वो है, शिष्य ये है, इन्होंने सेवा की है, हम अधिकार कर सकते हैं हम हमारे गुरु जी के शिष्य है, हम अधिकार कर सकते हैं हमारे गुरु जी के शिष्य है, ना गुरु जी के सामने कर सकते थे ना गुरु जी के पीछे कर सकते थे,
तो जिन्होंने जितने परिमाण में शिष्यत्व को ग्रहण किया, जिन्होंने जितने परिमाण में आचार विचार को ग्रहण किया, उतने परिमाण में शिष्य कार्यमंत्र भगवान से शिष्य होता नहीं। तो इसलिए हम प्रतिजीव का कोई अधिकार नहीं ये कहने का, ये मेरा मठ है तेरा मठ, हमको लक्ष्य क्या करना है, कैसा अद्भुत संबंध है गुरु वर्गो का। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन में मैंने विचार किया था सारा जीवन आप दोनों के चरणों के सानिध्य में रहकर मैं गुरुपाद की सेवा करूंगा, फिर बाद में कहते हैं किंतु देव से देव काल से ऐसा हुआ मठ के भाग हो गए। तो उन्होंने बताया कि फिर मैं दीर्घ समय तक मैं इसको संक्षेप में समाप्त कर दूं। महाराज जी बता रहे मैं दीर्घ समय तक श्रीला माधव महाराज जी के निकट में उनके शब्दों में कह रहा हूँ, श्रीला माधव महाराज जी के निकट में मैं दीर्घ समय तक चैतन्य बोड़िया मठ में रहा। और अब यहाँ उस समय में गोपीनाथ बोड़िया मठ की स्थापना हो गई थी और 8 मास हो चुके थे। तो उन्होंने बात देखी कि अब 8 मास से मैं गोपीनाथ बोड़िया मठ में आ गया हूँ, तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात यहाँ से प्रारंभ होती है। वो क्या कह रहे हैं, बड़ी गंभीर बात श्रीला महाराज जी ने कही। देखिये यही मूल यही है गुरुवर्गो की वाणी, गुरुवर्गो का आदर्श और गुरुवर्गो की संपत्ति। वो क्या कहते हैं, कहते कि जीवन के इस प्रांत भाग में, उस समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष हो चली थी और उन्होंने बात लिखी कि मैं वृद्ध हो गया हूँ तो श्रेष्ठ साधु संग करने के लिए घर तक जा भी नहीं सकता हूँ। तो वो ये बात लिख रहे हैं कि मैं श्री गोपीनाथ गोड़िया मठ में आ गया हूँ, यहाँ 8 मास से मैं वास कर रहा हूँ। गोपीनाथ गोड़िया मठ में आ गया हूँ, 8 मास से वास कर रहा हूँ। किंतु क्या बात वो कह रहे हैं श्रीला महाराज जी, कहते हैं किंतु यहाँ भी दुर्भाग्यवशता उपयुक्त भजन विज्ञ वैष्णव संघ के अभाव में बड़े ही दुख के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ। ये उनकी चित्त वृत्ति है, इसको लक्ष्य करना है, ये उन महापुरुष की चित्त वृत्ति है। वो इस बात से प्रसन्न थे कि मेरा अपना मठ बन गया, मैं अपने मठ में रह रहा हूँ, अब मैं अपने मठ का आचार्य हूँ। उनकी चित्त वृत्ति क्या है, उस चित्त वृत्ति को लक्ष्य करना है, उस चित्त वृत्ति का हमको अनुधावन करना, उस चित्त वृत्ति के पीछे दौड़ना है। वो किस वस्तु के लिए कातर है, किस वस्तु के लिए दुख प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ गोपीनाथ गोड़िया मठ में, और उन्होंने शब्द भी यही व्यवहार किए कि अब 8 मास से मैं गोपीनाथ गोड़िया मठ में रह रहा हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि में गोपीनाथ गोड़िया मठ, चैतन्य गोड़िया मठ, देवानंद गोड़िया मठ, इसमें कोई भेद नहीं है, सब तो प्रभुपाद कुटुंबकम है। तो क्या लिख रहे हैं कि मैं गोपीनाथ गोड़िया मठ में आ गया हूँ, किंतु यहाँ पर उपयुक्त भजन विज्ञ वैष्णव संघ के अभाव में बड़े ही दुख के समय में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और फिर क्या कहते हैं, तभी आज सकातर आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। वो परम गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, तभी आज सकातर आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, हे अदोष दर्शी वैष्णव ठाकुर, अपने इस हत भाग्य कनिष्ठ भ्राता को मत भूलना। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे अदोष दर्शी वैष्णव ठाकुर, अपने इस कनिष्ठ भ्राता को मत भूलना। परोक्ष रूप में रहकर भी, अर्थात आप साक्षात प्रकट नहीं हो, तो परोक्ष रूप में रहकर भी मेरे प्रति सर्वदा पहले के समान ही स्नेहामृत वर्षण करना। ये उनकी प्रार्थना है, ये उनके चित्त की वृत्ति है, ये उनके हृदय से निकलने वाली प्रार्थना है। उस श्रेष्ठ वैष्णव संघ के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं और उसी के लिए ही उनके उनका हृदय कातर है। और फिर उन्होंने बात कही कि मुझे स्थान स्थान पर जब उन्होंने संन्यास लिया तो वो चुचुड़ा मठ में, देवानंद गोड़िया मठ में आकर के परम गुरु जी के साथ में उनका संग होता था, और वहीं हमारे गुरु जी ने भी उनकी सेवा की। तो गुरु जी हास प्रयास करते हुए बात कहते भी थे कि मैं श्रीलापुरी गोस्वामी महाराज जी का सबसे पहला सेवक था। गुरु जी इस बात को हास प्रयास करते हुए कहते भी थे कि मैं श्रीलापुरी गोस्वामी महाराज जी का सबसे पहला सेवक था। तो उन्होंने बात लिखी कि आपको मुझे स्थान स्थान पर संग मिला है, किंतु मैं 91 वर्ष की अवस्था में किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधु संग करने में असमर्थ हूँ, तो इसलिए आप क्या करना, अंतराल में रहकर भी स्नेहामृत धारा से सिंचन करके अपने इस अधम कनिष्ठ भ्राता के पारमार्थिक जीवन का संरक्षण करना, यही मेरी आपके श्री चरणों में सकातर प्रार्थना है। तो मुख्य रूप से कहने की जो बात है, इन महापुरुषों ने और इन महापुरुषों के चित्त की जो वृत्ति है, जिस वस्तु के लिए वो कातर है, हमको उसको लक्ष्य करना होगा। यदि हम उसको किंचित परिमाण में भी लक्ष्य कर सके, उस वैष्णव संघ के लिए, उस उन्नत वैष्णव संघ के लिए, और किसी वस्तु से उनको किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा मठ बना, बहुत विशाल संपत्ति हो गई, कुछ हो गया, किसी से उनको कोई प्रयोजन नहीं है, उनका हृदय कातर है केवल उस श्रेष्ठ वैष्णव संघ के लिए। यदि हम उस चित्त वृत्ति को लक्ष्य कर सके और उसका छीटा फूटा भी हम अपने हृदय में ला सके, तब वास्तव में हमारा सागर भाव तिथि को मनाना, तब वास्तव में हमारा तेरो भाव तिथि को मनाना सार्थक हो सकेगा। गौर प्रेमानंदे। हमारे प्रभु जी कह रहे हैं
कि एक बात जो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हास परिहास करते, वो हास परिहास कहने का अर्थ ये है कि जब उनके मठ से, जैसे हमारे पूज्य बात गोदायन महाराज जी एक समय हमारे गुरु जी से मिलने के लिए गोवर्धन मठ में आए अपने कुछ आश्रय जनों के साथ में, तो हम गुरु जी के निकट में थे तो उनको आसन दिया गुरु जी के साथ में, एक सोफा लगा दिया, किंतु हमारे पूज्य बात गोदायन महाराज जी बड़ी अच्छी मुझको उनकी बात लगी, उन्होंने बात कही गुरु जी से, पहले तो वो बैठे नहीं, साष्टांग प्रणाम किया गुरु जी को, और फिर गुरु जी से कहते हैं कि पहले वैष्णव दर्शन फिर धाम दर्शन। पूज्य बात गोदायन महाराज जी कहते हैं पहले वैष्णव दर्शन फिर धाम दर्शन, तो साष्टांग प्रणाम किया गुरु जी को, और गुरु जी की गुरु जी को कुछ उन्होंने जाते समय प्रणाम भी दी, तो गुरु जी ने उनको बड़ा अच्छे से आलिंगन किया, और गुरु जी कहते हैं आप तो आचार्य हैं, आपसे मैं कुछ ज्यादा प्रणामी लूंगा, ये थोड़ी सी प्रणामी से काम नहीं चलेगा। तब उस समय गुरु जी उनको ये बात बता रहे थे, वो जो उनका परस्पर वैष्णव का हास पर ही हास था, तब गुरु जी कहते थे तुम ही जानो आमी तार प्रथम सेवा, मतलब पूज्य बात गोदायन महाराज जी को बता रहे थे गुरु जी की तुम जानते हो मैं उनका पहला सेवक था, तो वो हास पर ही हास करने का बस ये था वैष्णव में जो एक प्रकार का वो हास पर ही हास था, बोलते थे वास्तविकता ही, क्योंकि जब श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी संन्यास लेकर के चुचुड़ा मठ में आए हमारे, तो हमारे परम गुरु जी ने हमारे गुरु जी को श्रीला महाराज जी की सेवा में दिया था, हमारे गुरु जी उनके वस्त्र धोते थे, उनको तेल लगाते थे, उनको गंगा स्नान के लिए ले जाते थे, गुरु जी ये बात प्राय कहा करते थे, और वो गुरु जी के पूर्व आश्रम का एक लोटा था, वो लोटा बह गया था गंगा में, तो श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी ने भी कहा था कि आपके पूर्व आश्रम का चिन्ह था चला गया, तो अर्थात गुरु जी का किस प्रकार का संबंध था, और जब भी वो गुरु जी श्रीला पुरी गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जाते थे तो अवश्य उनका विशेष रूप से दर्शन करने जाते थे, और अत्यधिक गंभीर उनके साथ में प्रश्न उत्तर भी करते थे गुरु जी, बहुत कुछ प्रश्न भी गुरु जी उनके साथ में किया करते थे, तो बड़ा ही गंभीर ये वैष्णवों का परस्पर संबंध है, तो बस मुख्य बात यही है कि हम उनके उस चित्त वृत्ति को लक्ष्य कर सके, उनके परस्पर संबंध को लक्ष्य कर सके, इस परमार्थी जी वो प्रार्थना कर रहे हैं परम गुरु जी से मेरे परमार्थी जीवन का संरक्षण करें, जो एक किस भूमिका है, किस भूमिका में वो अवस्थित है, एक जीवन मुक्त महापुरुष परम प्रभुपाद जी के जन, जब वो इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते तो हमारे चित्त की वृत्ति क्या होगी, तो इसलिए मैं बस छोड़ दूं, नहीं तो फिर आधा हो जाऊंगा। सबसे पहले आज हमने श्रवण की उसमें सबसे पहले हमारे को हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति श्रीधर महाराज जी से सबसे पहले हमने कथा श्रवण की, उसके बाद में फिर श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी से हमने कथा श्रवण की, तो अभी जीत प्रभु ने फिर संजय प्रभु ने कथा की, तो मेरे को मन में पुनः पुनः होता था कि क्योंकि समय जो है वो लिखा गया था 6:30 to 9:30 ऐसे ही, तो वैसे पुनः कहते बोल 6:30 to 9:30 तक का समय लिखा गया था, और कुछ कुछ भक्त लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने काम पर भी जाना है, और जो पहले वाले वक्ता हैं उन्होंने कथा बहुत कम ही की थी, इसलिए मैं फिर से, क्योंकि मैं तो सब समय यहाँ पर कथा बोलता ही रहता हूँ, इसलिए मैं फिर से हमारे श्रीपाद श्रीधर महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो थोड़ा सा हम लोगों को पुनः कथा श्रवण यदि करा दे तो बहुत अच्छा हो। मेरा स्नान उतने में हो गया, आपकी कथा भी पूरी खत्म हो गई, सुना मैं तो सबको भी सुना दो, आप भी सुना दो, और जो मन में आता है आप थोड़ा सा बोल दें, कथा सुनते सुनते आप लास्ट पर थोड़ी मैं तो सुनाऊंगा ही, मैं सुना दिया, आप पहले बोल दें, मैं पहले बहुत सुनाया तो मैं आधा सुना दिया, आप इतना थोड़ी सुना सिद्धांति मारे कुछ और बोलेंगे, पहले बोल दो अभी जब सभी भक्त लोग कथा कर रहे थे
उसमें से मैंने बाद में आकर के हमारे जीत प्रभु की और संजय प्रभु की कथा को तो ठीक से यहाँ पर बैठने के कारण श्रवण कर लिया, किंतु पहले जो दोनों महाराज लोगों ने कथा की उसको मैं ठीक से श्रवण नहीं कर पाया, किंतु तब भी जो दो चार बातें मेरे कान में पड़ी उनकी कथा में से उसको सुन करके हृदय में एक आनंद ही हुआ। कारण क्या कि अभी प्राय जो सभी भक्त लोगों ने कथा बोली वो हमारे गुरुदेव के द्वारा श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के द्वारा एवं हमारे श्रीला महाराज जी श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके द्वारा कही गई कथाओं का ही परिवेशन किया। विशेष रूप से जो प्रातः काल सबसे पहले जो हमारे श्रीधर महाराज जी कथा कर रहे थे उसको हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले बोला था। गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में वृंदावन में कि श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको दो मृदंग, एक कीर्तन करने वाला मृदंग और दूसरा बृहद मृदंग लेखन का कार्य, ये दोनों सेवाएं श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको दी थी। तो ये गुरुदेव ने अपनी कथा में सबसे पहले बोला था और उसके बाद में फिर उस दिन कथा तो हो गई। कथा के बाद में मुझे क्योंकि मैं उस समय गुरुदेव के पास में लगभग उसे दो मास पूर्व ही मथुरा में गुरुदेव के पास में जाने लगा था, तो मैं उन्हीं के साथ में आया था वृंदावन में गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में। तो गुरुदेव तो फिर हमारे श्रीपाद माधव महाराज जी के साथ में श्रीपाद द्विज कृष्ण प्रभु के साथ में इनके साथ में वो तो चले गए थे गोपीनाथ भवन में। उस दिन द्विजा प्रभु ने रसोई भी गोपीनाथ गौड़िया मठ में ही बनाई थी, स्मरण है? एक बार गोपीनाथ गौड़िया मठ में अपने रसोई भी बनाई थी गुरुदेव के लिए, तो रसोई भी वहीं पर बनी थी, प्रसाद लेकर के चले गए थे साथ में। तो उसी दिन गुरुदेव ने जब इस बात को बोला था और बातें भी गुरुदेव ने बोली, किंतु ये विशेष बात बाद में मेरे को गोदान महाराज जी ने बोला कि महाराज ने जो कथा बोली आज तक मैंने ऐसी वाली कथा किसी से सुनी नहीं गुरु महाराज जी के विषय में। यद्यपि उन्होंने कथा जो है वो तो गुरु महाराज जी के चरित्र को देख करके ही उन्होंने बोली, किंतु जिस तरह से वो परिवेशन करते हैं कथा का वो हृदय में जाकर के एकदम से लगता है कि हाँ कितनी भली प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी का उन्होंने महिमा कीर्तन किया। बाद में फिर जो हमारे सिद्धांत महाराज जी कथा कर रहे थे उन्होंने भी जो उदाहरण दिए सारे कि किस प्रकार से श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज उनकी कथा सुन के आए थे, किस प्रकार से माधव गोस्वामी महाराज उनसे बाद में मठ में आए थे, श्रीला संत गोस्वामी महाराज उनसे बाद में मठ में आए और उन्होंने किस प्रकार से फिर उनका अनुगत्य किया और उनको अपना शिक्षा गुरु इत्यादि कहा और किस प्रकार से उनके प्रति उनका एक गुरु भ्राताओं के प्रति गुरु सेवक के प्रति कैसा एक आदर होना चाहिए, गुरु सेवक मान्य जयमार, उस प्रकार का उनका जो सारा चरित्र अभी हम लोगों ने श्रवण किया वो भी हमारे गुरुदेव के प्रबंध से ही है। हमारे गुरुदेव ने उसी प्रबंध को लिखा था 2010 में। श्रीपाद गोदान महाराज जी ने एक गुरुदेव के पास में ईमेल के माध्यम से संवाद भेजा था कि हम लोग गोपीनाथ गौड़िया मठ का जगन्नाथपुरी में जो नया स्थान है उसका हम लोग वहां पर हमारे ठाकुर जी जो हैं वो वहां पर अभी स्थानांतरित होंगे, पुराने स्थान से नए मठ में आएंगे और मैं बहुत सारे वैष्णवों के निकट मैंने प्रार्थना किया है
कि वो हमारे यहाँ से एक पत्रिका छपेगी, उसका नाम है भागवत धर्म। उस पत्रिका में मैं बहुत सारे वैष्णवों के लेख इत्यादि एकत्रित करना चाहता हूँ। इसीलिए आप भी ज्येष्ठ वैष्णव हैं, बहुत प्राचीन वैष्णव हैं, गुरु महाराज के निकट में आपको अनेक बार आते हुए उनसे वार्तालाप करते हुए देखा है, इसीलिए आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि उस पत्रिका के लिए आप कुछ लिख कर यदि भेजें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे प्रार्थना करते हुए आपको दो विषय दे रहा हूँ कि या तो आप विग्रह जो सेवा उसके ऊपर कुछ लिख करके भेजें, या फिर गुरु महाराज जी के संबंध में कुछ लिख करके दें। आपका दोनों विषयों में से जो इच्छा हो आप उसी को ही लिख करके भेजें। तब गुरुदेव ने कहा कि मैं विग्रह जो पूजा विग्रह सेवा या फिर और उसके विषय में जो तथ्य हैं उसके विषय में अभी नहीं लिखूंगा, केवल मात्र आपके गुरुदेव के विषय में ही लिख करके भेजूंगा। तब फिर गुरुदेव ने जो प्रबंध लिखा वो लगभग गुरुदेव ने जो अपनी अस्वस्थ लीला प्रकट की थी उससे एक मास पूर्व ही उस प्रबंध को लिखा था, और वो प्रबंध बाद में फिर गोपीनाथ गुड़ियाहाट की पत्रिका में तो आया ही आया, हिंदी इंग्लिश बंगाली इत्यादि में, हमारी भागवत पत्रिका में, और फिर हारमोनिस्ट में भी उसको छापा गया था। तो उस प्रबंध में गुरुदेव ने ये सारी बातें जो लिखी थी उसी को ही हमारे सिद्धांति महाराज जी ने भी प्राय उन्हीं कथाओं को स्पर्श किया। जीत प्रभु ने भी जिस कथा को बोला वो सारी कथाएं भी हमारे श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उन्होंने ही पुनः पुनः उसका कीर्तन किया स्थान स्थान पर कि किस प्रकार से अब उनमें उनकी आविर्भाव तिथि में गया, कैसे महाराज जी जो बोलते थे कि कैसे हम उनके शिष्य तुल्य थे, और किस प्रकार से तब भी वो हम लोगों के साथ में व्यवहार करते थे, और अपनी आविर्भाव तिथि में किस प्रकार की दीनता, जो इन्होंने कुकुर वाला जो प्रभुपाद जी के कुकुर वाली जो बात इन्होंने उठाई वो हम लोगों को, मैंने तो कभी गुरु महाराज जी की उस आविर्भाव तिथि में मैं था नहीं वहां पर, और बाद में भी किसी पत्रिका में या फिर जैसे उन्होंने बताया यूट्यूब में देखने वाला उसको तो मैंने अभी तक भी कभी देखा नहीं, किंतु महाराज जी के मुख से इस कथा को पुनः पुनः श्रवण किया। और वीडियो होगा किंतु हमने श्रीला महाराज जी से साक्षात रूप में सुना पुनः पुनः उन्हें कथाओं को, तो इसीलिए बाद में हमने जो संजय प्रभु जी से भी कथा सुनी उसमें भी संपूर्ण रूप में जो छाप है, यद्यपि वचन गुरु महाराज जी के, किंतु जो पूरी छाप उसमें हृदय में आई सुन करके वो श्रीला महाराज जी की कथाओं की ही आई कि किस प्रकार से श्रीला महाराज जी गुरुदेव की जो महिमा है उसका कीर्तन करते थे। उपदेशावली यहाँ पर जो पीछे लगी हुई है वो समय के अभाव के कारण, क्योंकि हमने गुरु पूर्णिमा के समय में श्रीला महाराज जी की आविर्भाव तिथि भी थी उससे 4-5 दिन पहले, और फिर गुरु पूर्णिमा और उससे पहले महाराज जी की आविर्भाव तिथि थी, तो बहुत ही जल्दी में हम लोगों ने सारा काम किया था यहाँ पर, जो अभी आप चित्रपट इत्यादि देख रहे हैं या फिर श्रीला महाराज जी की उपदेशावली गुरुदेव की गुरु महाराज जी की, ये सब बहुत जल्दी में किया था। तो गुरु महाराज जी की उपदेशावली को केवल एक ही प्रबंध में से ही हमने लिया, वो प्रबंध हिंदी भाषा में हमारे जो गति कृष्ण प्रभु और उनकी बहन उन्होंने ही एक प्रबंध जो है श्री गुरु पूजा के नाम से पत्रिका में प्रकाशित किया था हिंदी में, उसी प्रबंध को ही मैंने पढ़ा, और
उसी में से ये सारी शिक्षाएं निकाल दी। प्रबंध कितने पेज का है? लगभग 1.5 पेज का। बहुत बड़ा प्रबंध नहीं है। हमारे को हमारे सिद्धांती महाराज जी भी बार बार ये बात मेरे को बोलते थे बहुत बार कि गुरु महाराज जी का कोई भी प्रबंध पढ़ो या फिर गुरु महाराज जी की कोई भी कथा श्रवण करो तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे वाले सारे वो बात लिखते हैं या बोलते हैं कि उसमें से एक भी अक्षर को इधर से उधर हटा देने से लगता है कि पूरा पूरा जो उनका वाक्य है वही अपने आप में एक एक उपदेश है। और उस प्रबंध में से भी उपदेशों को छाटते समय किसी भी स्थान पर जब छोड़ना पड़ा तो दुख के कारण ही छोड़ना पड़ा कि और अधिक स्थान नहीं होगा इस उपदेशावली को लिखने का, जो स्थान है जहां पर उसको रखा जाएगा हमारे पास और स्थान होगा नहीं, फॉन्ट साइज कितना छोटा करेंगे। तो इसलिए उनका एक एक प्रबंध ही ऐसा है, उनकी कथा भी उसी प्रकार की, उसी कथा में ही वो किसी उपदेशावली में उन्होंने जो जो लिखा मैं उसी का ही आप लोगों के सामने एक बार केवल जैसा उन्होंने लिखा उसी को ही केवल बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि पहले जो मुक्त पुरुष लोग हैं हमारे गुरुदेव श्रीला महाराज जी, उन्होंने उनकी जिस महिमा का गान किया वो वास्तविक महिमा है। क्यों? क्योंकि अप्राकृत पुरुष ही अप्राकृत पुरुष की महिमा का गान कर सकते हैं। जो बद्ध जीव है उसके लिए मुक्त पुरुष की महिमा का गान करने की तो बात ही क्या, उसको समझने का उसको देखने का भी योग्यता होता नहीं। इसीलिए जो इन लोगों ने कथा बोली उसको सुनकर के बहुत आनंद हुआ कि इनमें से किसी ने भी अपने मन की कोई बात नहीं बोल करके मुक्त पुरुषों की वाणी के द्वारा ही उनकी आविर्भाव तिथि का पालन किया। और इसी कारण से मैं भी अपनी कोई बात नहीं बोल करके, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी एक बार अभी कुछ समय पूर्व ही श्रीला महाराज जी की तिरुभाव तिथि के उपलक्षण समय के अभाव के कारण वहां पर भी मैं जिस वस्तु को बोलना चाहता था बोल नहीं पाया था। और आज भी फिर समय का वही स्थिति है कि उस वहां पर एक बात उठाई थी कि हमारे अभिन्न गुरुपाद पद्म श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने किसी प्रसंग में अपने एक गुरु भाई को एक बात बोली थी, बहुत विशेष बात है वो, कि अमार चेना भक्ति प्रज्ञान और तुमार चेना भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी एक नहीं, अर्थात तुम जिस रूप में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को पहचानते हो जानते हो और मैं जिस रूप में उनको जानता हूं वो दोनों एक नहीं है। तुम्हारा चेना तुम्हारा पहचाना हुआ जो श्रीला केशव गोस्वामी महाराज है वो अलग और मेरा जो अनुभव है उनके विषय में मैं जिनको जानता हूं मैं जिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को जानता हूं वो अलग है। तो क्या श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज दो स्वरूप में थे उनकी वाणी के अनुसार या फिर बहुत सारे स्वरूपों में थे कि जिनका जैसा अधिकार था उनको वैसा समझा? नहीं, वो तो एक ही थे किंतु जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि भंगी का अंतर होने के कारण वो अलग अलग है। इसी प्रकार से जो मेरी अपनी यदि दृष्टि से मैं गुरु महाराज जी को, मैं पहले भी अभी कुछ दिन पहले श्रीपाद बोधायन महाराज जी के सामने बोल रहा था कि यद्यपि मेरे को मंत्र उनसे प्राप्त हुए ये बात तो सत्य है किंतु वास्तविक रूप में शिष्य किसको कहते हैं? जो शिष्यत्व को स्वीकार करता है, जो जानता है
कि उसके गुरु के हृदय की जो वार्ता है वो क्या है। गुरु जो है मेरे से क्या आशा रखते हैं, मुझे किस प्रकार की स्थिति में देखना चाहते हैं, वो वास्तविक रूप में मुझे कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इन सारे विषयों को जो जानता है वो तो शिष्य कहलाएगा, किंतु मैंने तो उनकी कथा को ही ठीक से आज तक अभी श्रवण किया नहीं। जब आया था उनके पास में तो वो उस समय बहुत वृद्धावस्था की लीला का अभिनय करते थे, कथा बहुत कम ही सुनने के लिए मिली और जितनी भी सुनने के लिए मिली अपने ही उस समय के मानसिक स्थिति हो या फिर कोई भी अन्य स्थिति, उसके कारण उनकी कथा को उस किसी गुरुत्व के साथ में ग्रहण कर पाए हुआ तो हुआ नहीं। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि ओ मेरे गुरु भाई हैं माधव प्रिय, ये आए हुए हैं, अभी ये कुछ हम लोगों को सुनाएंगे। तो मैंने कहा आप मेरे को गुरु भाई कह सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप में मैं जब गुरु महाराज जी का शिष्य ही नहीं बना तब फिर आपका गुरु भाई कैसे हो सकता हूं। कभी कभी यहां पर अलग अलग स्थानों पर ही भक्त लोग जो है परिचय करा देते हैं कि इन्होंने उनका सेवा किया, उनके साथ में रहते थे जिस भी प्रकार से, किंतु वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है कि भले ही मुख से किसी एक व्यक्तित्व को दीक्षा गुरु, किसी अन्य को शिक्षा गुरु कहना तो पड़ता है, एक व्यवहार के कारण शब्द का कुछ चयन करना पड़ता है, किंतु वास्तविक रूप में मैं अभी तक भले ही दीक्षा गुरु हूं भले ही शिक्षा गुरु हूं, मैंने अभी तक अपने संपूर्ण रूप में इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोज करना, इम्पोजिशन, वैसा वाला इम्पोज तो कर सकता हूं किंतु उनका शिष्यत्व स्वीकार किया हो किसी का भी वैसे वाला हुआ नहीं। इसीलिए किसी से भले ही उन्होंने कृपा करके भले ही दीक्षा के मंत्र सुना दिए या फिर शिक्षा रूपी मंत्र प्रदान किए, मैं अभी तक किसी को धारण कर नहीं पाया। यहाँ पर उपस्थित वैष्णवों से जिन्होंने वास्तविक रूप में किसी भी वैष्णव का शिष्यत्व स्वीकार किया है, उन्हीं सभी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो लोग कृपा करें जिससे कि मैं भी कभी किसी वैष्णव का शिष्य बन पाऊं। यही कहकर के मैं केवल जो उपदेशावली है गुरु महाराज जी की उसी को ही थोड़ा सा आदि पेश हो, ये तो बंद है जो उपदेशावली है उसमें से एक दो बातें केवल उसको उच्चारित करके कथा को विराम दूंगा। विशेष करके हमारे ब्रजनाथ प्रभु, श्रीपाद ब्रजनाथ प्रभु जो हमारे गुरुदेव के साथ में ट्रेवल करते थे, वो प्राय 2-3 वर्षों से ही, हो सकता है 4 वर्ष से भी, जब भी उनसे भेंट होती थी तो वो मुझे एक बात जरूर गुरु महाराज जी की स्मरण कराते थे कि आपके गुरु महाराज जी ने लिखा है, आपके गुरु महाराज ने लिखा है। तो
मुझे क्योंकि कभी वो मिला नहीं था, किसी प्रबंध में ही वो बात मिली थी, तो इससे वो बात उस समय बहुत अच्छी लगी जब मिली। उसमें गुरु महाराज जी लिख रहे हैं मैं पहले से ही पढ़ देता हूँ, जब वो वाली बात आएगी तो उसके लिए भी बताऊंगा। अज्ञान तिमिर अंधकार दूर कर विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए ही श्री भगवान से अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म का इस प्रपंच में अवतरण होता है। गुरु इस जगत में क्यों अवतरित होते हैं, उसके लिए बतलाया कि बद्ध जीवों के जो अज्ञान को दूर करके उन्हें विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए ही भगवान से अभिन्न जो गुरु पाद पद्म है वो इस जगत में अवतरित होते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण के प्रेम धन में धनी बनने के लिए उन्हीं की गौर लीला का संपूर्ण रूप से अनुगत्य करना होगा, उन्हीं की दीक्षा शिक्षा में दीक्षित शिक्षित अनुप्राणित प्रेरित होना होगा, अर्थात उन्हीं के आदर्श को आत्मसात करना होगा जो श्री गौरांग महाप्रभु ने इस जगत में अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान की है, उसी को ही संपूर्ण रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति प्रेम धन में धनी बन सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा, यद्यपि नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं बलिष्ठ साधन स्वरूप है तथा समस्त प्रकार के अनर्थों को नष्ट कर साध्य के रूप में सर्व शुभार्थ अद्भुत प्रेम नाम रूपी परमार्थ प्रदान करते हैं, तथापि श्रीमन महाप्रभु ने यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि एकमात्र अपराध शून्य नाम ग्रहण करने वाले ही कृष्ण प्रेम धन के अधिकारी बन सकते हैं। चौथा, प्रेम धन अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, श्री नामाश्रित भक्त श्री नामानुरागी भक्त की कृपा के फल स्वरूप सुदुर्लभ भक्ति प्राप्त करके ब्रज प्रेम रूपी सर्वश्रेष्ठ धन में धनी होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्री राधा कृष्ण में प्रेम संपद प्राप्ति रूप बड़ा धनी अथवा सर्वश्रेष्ठ धनी बनने के लिए कलयुग में श्री नाम संकीर्तन की ही सर्वोपरि जयगान सब प्रकार से वांछनीय है। छठा, श्री गुरु पाद पद्म की मुख निश्रित वाणी अथवा ग्रंथ लेखनी, जो अभी संजय प्रभु ने जिस बात को उठाया था, श्री गुरु पाद पद्म की मुख निश्रित वाणी अथवा ग्रंथ लेखनी एवं सामयिक पत्र आदि में लिखित निश्रेयस अर्थात परम श्रेय को प्रदान करने वाली वाणी की इष्ट गोष्ठी के माध्यम से विशेष रूप में भली भांति समीक्षा कर गुरुदेव के अभिष्ट संपादन में यत्नवान होना होगा, इसका नाम ही गुरु सेवा है। इस बात को जब अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, इसी बात को ही ब्रजनाथ प्रभु बोलते थे पुनः पुनः कि हम लोगों के जो गुरुदेव थे, हमारे जो गुरुदेव, उन्होंने इतना अधिक परिश्रम करके सभी स्थानों पर जा जा करके वृद्धावस्था में भी कितना जब यात्रा करते थे, किस किस प्रकार की असुविधाओं को सामना करना पड़ता था, तब भी उन्होंने सब प्रकार की वस्तुओं को लेकर के उन्होंने क्या किया, सर्वत्र जो शुद्ध भक्ति का विचार था उसको स्थापित किया, अप सिद्धांतों को
चाहे वो किसी भी प्रकार का था, उसका उन्होंने खंडन किया, उसका खंडन किया। और जहां कहीं पर भी गए वहीं पर ही उन्होंने शुद्ध भक्ति के विचारों का परिवेशन किया। और जैसा कि अभी उन्होंने पूरा बोला वो ऐसा मैं नहीं, अभी मैं उसका व्याख्या भी साथ में कर रहा हूं, उनका केवल इतना ही कहना था कि गुरु भ्राताओं को इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए, पुनः पुनः गुरुदेव का वास्तविक रूप में हृदय में क्या विचार है, क्या कहना चाहते थे, क्या शिक्षा उन्होंने दिया, इसके लिए इष्ट गोष्ठी पुनः पुनः होनी चाहिए। वो तो इतना ही बोलते थे। तो अभी हमारे गुरुदेव उन्होंने जो जिस शुद्ध भक्ति का सर्वत्र प्रचार किया, उन्होंने जो जब ये उनकी कथाएं स्थान स्थान पर जाने लगी तो उसको कोई ना कोई नाम देना था कि ये कौन भेज रहा है, कौन से मिशन से कथा आती है, किस संघ के लोग भेज रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही उसका नाम क्या दिया, शुद्ध भक्ति। इसके बाद में उसका नाम इंग्लिश में भी क्या पड़ा, purebhakti.com, शुद्ध भक्ति की वार्ता है केवल। तो अभी वो जिस वार्ता को जिसको उन्होंने सर्वत्र प्रदान किया, वास्तविक रूप में वो शुद्ध भक्ति की वार्ता क्या है, इसी उपदेश को ब्रजनाथ को मुझे स्मरण कराते थे। और बाद में पुनः पुनः यही लगता है कि हाँ, क्योंकि भिन्न भिन्न भक्त लोग गुरु महाराज जी के अपने प्रबंधों में लिख रहे हैं स्थान स्थान पर कि अनेक भक्तों ने तो श्रीला प्रभुपाद जी का संग किया था, और अभी परस्पर में ही क्या बात उठती है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। तो अभी भिन्न भिन्न गुरु भ्राताओं में ही जब इस प्रकार का वार्तालाप उठता है, तब उस समय निर्णय पर कैसे पहुंचा जाता है कि वास्तविक रूप में वो क्या कहते थे। जब तक एक व्यक्ति इष्ट गोष्ठी, गुरु भ्राता लोग इष्ट गोष्ठी ना करें, और उसमें जिसने निरपेक्ष रूप से वास्तविक रूप में जितना समझा है, उसके बाद का और विचार ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तो नहीं है। जैसा कि श्री गुरुदेव बोलते थे कि श्री स्वामी महाराज जी ने कहा 16 माला जप करना, और उनके सारे आश्रित लोग क्या कहते हैं कि हाँ 16 माला ही जप करनी है, इसके द्वारा ही हमारे को क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव कहते थे कि इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने क्या ये कहा कि जो 64 माला करेगा वो अपराधी है, उन्होंने क्या ये कहा, उन्होंने तो ये कहा नहीं। फिर श्रीला गुरुदेव बोलते थे कि उन्होंने भगवत गीता का सर्वत्र प्रचार किया, बहुत अधिक उसके विषय में कथा कीर्तन इत्यादि किया, किंतु क्या वो केवल मात्र अपने प्रकट काल में जहां तक शिक्षाएं दे पाए, या फिर अधिकारी व्यक्ति देख करके, जितना जिसका अधिकार उतना देख करके उन्होंने जहां तक शिक्षा दी, क्या उससे आगे वो देना नहीं चाहते थे, वो देना चाहते थे। उसके आगे का विचार जब मैं देना चाहता हूं, तब ये सभी लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये श्री स्वामी महाराज से अलग है, इनके विचार अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल वहीं तक ही उनको लिमिटेड करके रख दिया कि जहां तक हमने सुना है, जहां तक हमने समझा है, केवल वही परम सत्य है, उससे आगे सत्य क्या हो नहीं सकता। तो गुरुदेव बोलते थे कि नहीं, उससे आगे भी वस्तुएं हैं। जैसे एक माता पिता अपने बालक के सामने अपने सारे जो उनके बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, क्या छोटे बालक के सामने रख देते हैं निकाल करके, हमारी संपत्ति के कागज ये हैं, हमारे पास सोना इतना है, चांदी इतनी है, सारा कुछ उसको दिखाते हैं यदि वो छोटा है तो? नहीं। किंतु यदि माता पिता के
चले जाने के बाद में यदि कोई घर का बड़ा सदस्य, उसका कोई ताया जी हो, नानी नाना हो, दादा दादी हो, यदि मान लीजिए किसी के माता पिता पहले चले गए किंतु दादा दादी बैठे हैं, तो दादा दादी ने यदि उनको उनके पिता की ही संपत्ति बाद में दी तो क्या वो अस्वीकार करेंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो पिताजी ने दी नहीं थी, मुझे तो दिखाया नहीं था, क्या बाद में स्वीकार करने में संकोच करेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से श्रीला गुरुदेव बोलते थे कि जो वस्तु अभी स्वामी महाराज जी के शिष्यों ने जितनी समझी है, क्या वास्तविक रूप में केवल वही वहीं तक ही है सारा कुछ उनकी शिक्षा का सार, या फिर उससे आगे भी है? उससे आगे भी है। इसीलिए मैंने जिस रूप में श्रीला स्वामी महाराज जी को समझा है, श्रीला गुरुदेव उनके विषय में भी बोलते थे कि मैं ही उनका पहला शिष्य है और मैं ही उनका वास्तविक शिष्य है, भले ही शारीरिक रूप से मैं उनके साथ में तुम लोगों की तरह बहुत समय तक नहीं रहा, किंतु जिस प्रकार से मैंने उनकी वस्तुओं को धारण किया है, जिस प्रकार से उनके हृदय को समझा है, तुम लोगों ने वैसा समझा नहीं, इसलिए मैं उनका शिष्य हूँ। तो ये जो गुरुदेव ने कृपा करके सारी बातें बताना प्रारंभ किया, यदि वो ना बताते तब फिर क्या बहुत सारे लोग संसार में श्री स्वामी महाराज जी का वास्तविक रूप में वो क्या देना चाहते थे? जैसे गुरुदेव ने कीर्तन किया कि स्वामी महाराज जी का जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जहां तक मैंने अभी तक श्रवण किया हुआ, ये मंत्र किसने लिखा था? ये मंत्र लिखा भी उन्होंने स्वयं ही था। क्यों? क्योंकि उनके शिष्यों में से किसी को वैदिक संस्कृति का भी पता नहीं था, कुछ भी संस्कृत भी नहीं आती थी, गुरु पूजा कैसे करते हैं वो भी उन्होंने सिखाया, शिष्य को बिठा दिया व्यास आसन पे, स्वयं गुरु पूजा करके दिखाई कि बाद में मैं व्यास आसन पे बैठूंगा और तुम ऐसे मेरी पूजा करना। इसी प्रकार से प्रणाम मंत्र भी उन्होंने लिखा, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी जो गौरवाणी प्रचारिणी, गौरवाणी क्या है, इसको श्री गुरुदेव बोलते थे कि इस कौन में दिन में बहुत बार ये बात बोलते हैं, किंतु क्या वास्तविक रूप में गौरवाणी प्रचारिणी जिसका उन्होंने स्वयं लिखा, गौरवाणी क्या है जिसका उन्होंने प्रचार किया, क्या तुम लोगों को गौरवाणी भी ठीक से पता है? गौरवाणी क्या है? उन्होंने गौरवाणी का अर्थ करते हुए गुरुदेव ने क्या बोला कि भगवद गीता की शिक्षा भी वहां पर क्या हो जाती है, एवो वाच्य, ये बाहरी बात है, एक्सटर्नल, और एक समय उसकी आवश्यकता है भक्ति राज्य के लिए, किंतु बाद में उसके ऊपर महल खड़ा करने के लिए कुछ और भी चाहिए। तो गौरवाणी का वास्तविक अर्थ क्या है उसको गुरुदेव ने प्रकाशित किया। यदि गुरुदेव स्थान स्थान पर इसका चर्चा नहीं करते, उनके आश्रित जनों को ही इष्ट गोष्ठी के माध्यम से नहीं समझाते, तो क्या हमारे जैसे लोग आज इस बात को समझ पाते? नहीं। इसी बात को ही गुरु महाराज जी बोल रहे हैं अपने एक प्रबंध में कि वास्तविक रूप में गुरु सेवा कब होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, अपने हृदय से संकीर्णता को निकाल देंगे, जब अपने अपने जो कुद्र कुद्र स्वार्थ हैं, छोटे छोटे स्वार्थ जो वास्तविक रूप में श्रीला भक्ति विज्ञान भारती को स्वामी महाराज जी की भाषा में स्वार्थ भी नहीं कहलाते, नेगेटिव केवल उसका अर्थ है स्वार्थ, सेल्फिशनेस। वास्तविक स्वार्थ क्या है? स्वार्थ, अपना अर्थ, अपनी संपत्ति, अपना प्रयोजन, अपने मंगल की वस्तु, उसका नाम है स्वार्थ। तो इसीलिए अपने खुद्र खुद्र स्वार्थों को छोड़ करके, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना को त्याग करके,
गुरु के हृदय को समझ करके उनकी वाणी को ठीक ठीक रूप में समझने के लिए जब एक व्यक्ति चेष्टान्वित होता है, और जितना मैंने समझा है ये ठीक है या गलत, इससे आगे भी कुछ और है या नहीं, तो कौन इसकी परीक्षा करेगा? श्री महाराज जी बोलते थे अपने आप से सर्टिफिकेट देने से चलेगा नहीं कि मैंने गुरुदेव की बात को ऐसे सुना था, मैंने समझ लिया। सर्टिफिकेट देने से चलेगा नहीं कि हाँ तुमने समझ लिया। सर्टिफिकेट देगी हायर अथॉरिटी। तुम कैसे सर्टिफिकेट लोगे अपने आप से? तो इसीलिए जब तक उन वस्तुओं की पुनः पुनः चर्चा नहीं होगी निरपेक्ष रूप से, स्वार्थों को छोड़ करके खुद्र खुद्र स्वार्थ है सारे, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने उपदेश में बोला था कि तुम लोगों में से अपने आश्रित जनों को बोल रहे हैं, और वो भी कब? अपनी अप्रकट लीला से केवल 7-8 दिन पूर्व, वो उनके पूर्व और पर का विचार करने से पर उपदेश अर्थात बाद में सब उनकी शिक्षाओं का सार उन्होंने उस उपदेश में क्या बोला अपने आश्रित जनों को देख करके कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग योग्य हैं, बहुत योग्यता धारण करते हैं, इसीलिए मेरा सबके प्रति क्या उपदेश है कि सारे एक ही आश्रय तत्व के का अनुगत्य करके रूप रघुनाथ की वाणी का जितना अधिक हो सके उस रूप रघुनाथ की वाणी का मिलजुल करके प्रचार करना। श्री गुरुदेव की भी एक कथा को श्रवण किया था रूप सनातन गौड़िया मठ में। उस समय मैं गुरुदेव के पास रहता नहीं था, ये बात है शायद 94 की या 95 की। गुरुदेव ने उस समय अपने उपदेश में कहा था कि मैं अपने बचपन की एक कहानी तुम लोगों को सुनाता हूँ सभी को। एक लकड़हारा था, उसके चार पुत्र थे, और एक दिन उन्होंने अपने लकड़हारे ने मन में विचार किया कि मैं जगत से पता नहीं कब चला जाऊंगा, अपने पुत्रों को एक अच्छी शिक्षा दे करके जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लकड़ी के गड्ढे को रखा और उनको कहा कि आप क्या करो इसको, अलग अलग सबको कहा कि इसको जितना शीघ्र हो सके तुम लोग क्या कर दो, काट दो सारी लकड़ियों को एक साथ में। सबने प्रयास किया किंतु कर नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने बालकों को शिक्षा देते हुए क्या कहा कि देखो इसी तरह से जब तुम इकट्ठे रहोगे सारे, तब कोई भी तुम्हारा बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर अगर तुम लोग ही अभी इसको खोल दो, लकड़ी के गट्ठे को खोल दिया, जैसी लकड़ियां सारी अलग अलग जब इनको काटो एक एक करके जितना जल्दी हो सका काटते गए। तो उन्होंने कहा इसी तरह से मेरा क्या उपदेश है, लकड़ी के गट्ठे की तरह इकट्ठे होकर के रहना, तुम्हारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने कहा क्या करना, मिलजुल करके रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना। तो अभी इसी बात को ही गुरु महाराज जी बोलते थे कि हम लोग पुनः पुनः क्या करते थे, श्रील प्रभुपाद जी के जो उपदेश लिखे भी किसने थे, जो अंतिम उपदेश गुरु महाराज जी ने ही लिखे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, बहुत सारे आश्रित लोग वहां पर बैठ करके सुन रहे थे, और गुरु महाराज जी ने उसको अपने कलम से लिखा था। और उसी में ही एक एक उपदेश उनका जो है उन्होंने क्या किया, कहते थे पुनः पुनः आवश्यकता पड़ती थी कि गुरु भ्राता लोग इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, इष्ट गोष्ठी करेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा, दोनों बातों में यदि अंतर दिखाई देता है, कौन सी बात को स्वीकार करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी पुनः पुनः चर्चा करने पर भी हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते थे वास्तविक रूप में श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते थे। श्रीधर गोस्वामी महाराज इसी बात के लिए बोलते थे कि गुरु अगर कोई सदगुरु है, उसका एक वचन, केवल एक सेंटेंस उनका, उसको समझने में यदि 1000 जन्म भी चले जाएं और हम समझ लें यदि उनका एक वाक्य भी, त
तब भी बहुत है। इतना अधिक उनकी वाणी में गुरुत्व होता है, इतना अधिक वो निरपेक्ष वाणी होती है, वो वेद तुल्य वाणी होती है, तो उसको समझना इतना सहज नहीं है। इसी बात को श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी अलग प्रकार से बोलते थे कि हम लोगों को श्री प्रभुपाद जी की जो वाणी, रूप रघुनाथ की वाणी का एक साथ में प्रचार करना, उसका ठीक ठीक रूप में भावार्थ समझ आता नहीं कि किस प्रकार से करें, इच्छा रहने पर भी संभव पर होता नहीं, अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसके बीच में। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, यदि कोई श्रेया कार्य, अच्छा कार्य करना भी चाहता है तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न आकर के उपस्थित होते हैं। तो इसलिए वो कहते थे कि अनेक इच्छा रहने पर भी, मेरे बहुत अधिक प्रयास करने पर भी, मैं ही सबसे अंत में एक ऐसा वाला व्यक्ति रहा जिसने कि चैतन्य गौड़िया मठ को छोड़ने में सबसे अधिक लंबा समय लगाया, चैतन्य मठ को। हमारे परम गुरुदेव 1940 में लगभग बाहर आ गए, बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, और प्रभुपाद जी के आश्रित जन एक एक करके सारे अनेक बाहर आए, किंतु ये सबसे अंत में आए 1955 में या फिर 1956 में, जहां तक मुझे पढ़ा हुआ स्मरण आता है। तो कहते बहुत प्रयास किया, जिस किसी तरह से एकत्रित होकर के रहे, किंतु काल ने, किसी भगवत इच्छा ने वैसा होने दिया नहीं, किंतु तब भी मैं क्या करता हूं। श्रीला महाराज जी इस बात को बार बार बोलते थे कि गुरु महाराज जी कहीं पर भी जाते, जहां कहीं पर भी उत्सव होता, विग्रह प्रतिष्ठा होती, कोई भी और सुयोग बनता, जितना अधिक हो सकता अपने सारे गुरु भ्राताओं को पुनः पुनः निमंत्रण करते, प्रार्थना करते, कृपा करके एकत्रित हो जाते हैं, और सभी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी का पुनः 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 अपने अपने अधिकार अनुसार जैसा जैसा हमने समझा है, हम सभी एकत्रित होकर के क्या करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, ताकि हम लोग वास्तविक रूप में इस जीवन में निष्कर्ष पर पहुंच पाए, ठीक ठीक रूप में पिछला प्रभुपाद कहते क्या। जैसा कि हमारे परम गुरुदेव ने भी एक स्थान पर लिखा क्या कि एक समय श्रीला प्रभुपाद जी के निकट में बैठा हुआ था और श्रीला प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि इस जगत से मेरा चले जाना ही अच्छा है। क्यों? परम गुरुदेव बोल रहे, मैंने पूछा उनसे क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरी बात कोई मानता नहीं है, मेरी बात कोई समझता नहीं है, इसलिए मेरा इस जगत से चले जाना ही अच्छा है। तब परम गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनके साथ में उस समय बहस की कि प्रभुपाद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम सभी लोग आपकी कथा को कितना अधिक ध्यान से सुनते हैं, एक साथ में चार पांच लोग लिखने के लिए बैठे रहते हैं, एक अक्षर भी आपका किसी से छूट जाए बाद में मिलाते हैं, तुम्हारा ये अक्षर छूटा, मेरा ये अक्षर छूटा, मेरा ये अक्षर छूटा, और पूरी की पूरी आपकी कथा को पत्रिकाओं में हम लोग छापते हैं, उसी कथा का आपके द्वारा संस्थापित सभी मठों में पुनः पुनः कीर्तन होता है, और तब भी आप क्या कह रहे हैं कि आपकी बात कोई सुनता नहीं, आपकी बात कोई मानता नहीं, आपका इस जगत से चले जाना अच्छा है, ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु प्रभुपाद ने पुनः पुनः वही बात दोहराई और परम गुरुदेव कह रहे कि मैं मेरे गुरु मार्ग पर मैं इससे शांत हो गया, किंतु हृदय से उनकी बात को स्वीकार कर नहीं पाया उस समय। किंतु 32 वर्ष के बाद में मेरे मन में क्या आता है कि श्रीला प्रभुपाद सत्य कह रहे थे और मैं उस समय उस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। वो सत्य कह रहे थे कि हम उनमें, मैं उनकी बात सुनता नहीं था, मैं उनकी बात मानता नहीं था, मैं उनकी बात समझता नहीं था, उन्होंने सत्य ही कहा। इसीलिए मैं अपने गुरु भ्राताओं से निवेदन करता हूं कि वो लोग क्या करें, मेरे कान प्रस्तुत कर दें कि मैं प्रभुपाद जी की बात को ठीक ठीक रूप में समझ लूं, जान लूं, तब क्या करेंगे आगे की और क्रिया उसको करेंगे।
अब किस प्रसंग में मैंने क्या बोलना प्रारंभ किया था मुझे स्वयं को भी स्मरण नहीं, किंतु यही इष्ट गोष्ठी वाली बात जो गुरु महाराज जी का एक उपदेश एक पंक्ति वो क्या कह रहे हैं। श्रीला गुरु पाद पद्म की मुख निश्रित वाणी जिसने जिस भी तरह से सुनी थी जिसको जो स्मरण है वो अथवा ग्रंथ उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को जहां व्यक्त किया या फिर उनकी लेखनी प्रबंध इत्यादि उन्होंने जो लिखे वो सारी की सारी वाणी जो वो कैसी है निश्रेयस अर्थात परम मंगलकारी सबका हित चाहने वाली ऐसी जो वाणी है उसको क्या करना चाहिए पुनः पुनः इष्ट गोष्ठी के माध्यम से विशेष रूप में भली प्रकार समीक्षा करके महाराज जी बोलते थे सुसमीक्षा करके जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं। सबका योग्यता आंखों से देखने वाला होता नहीं इसलिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ जन जिन्होंने वास्तविक रूप में उनके दर्शन किए हैं उनको मध्यस्थ रख करके निरपेक्ष होकर के उनकी वाणी का उनके आदर्श का क्या करना चाहिए पुनः पुनः निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंच करके उसका यदि कोई व्यक्ति समझने का प्रयास करता है और जो निष्कर्ष निकलता है उसी के अनुसार यदि सेवा करने में यत्नवान होता है इसका नाम ही गुरु सेवा है। गुरु सेवा के नाम पर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं समझते हैं करते हैं मन मन में कई बार लड्डू भी खाते हैं कि हाँ हम गुरु सेवा कर रहे हैं किंतु वास्तविक रूप में गुरु सेवा किसको कहते हैं। जब तक एक व्यक्ति ठीक से श्रवण ही ना करे पालन ही ना कर पाए समझ ही ना पाए तो कैसे यत्नवान होगा कैसे उसकी गुरु सेवा होगी। जब गुरु सेवा नहीं हुई गुरु की वाणी को समझा ही नहीं शिष्य कैसे बना। तो इसी बात को ही मैं अपने गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति विभूत बोधायन महाराज जी को बोल रहा था कि महाराज जी आप तो कह सकते हैं कि मैं आपका गुरु भ्राता हूँ किंतु शब्दों के माध्यम से भले मुझे भी कहना पड़े कि आप मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं किंतु मैं आपका गुरु भ्राता नहीं हूँ। कारण मैंने गुरु महाराज जी के किसी भी कथा को ठीक से श्रवण ही अभी तक किया नहीं लेख को ही ठीक से पढ़ा नहीं सुना और पढ़ा ही नहीं है अपनी इंद्रियों के बल पर भी अभी तक तब फिर उसको पालन करना और उनका शिष्य बनना ये तो मेरे भाग्य में अभी हुआ नहीं है। इसीलिए शब्दों में भले जो कुछ भी क्यों ना रहे मैं वास्तविक रूप में इच्छा ही करता हूँ कि गुरु भ्राता लोग जैसा कि हमारे गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जाने की बात की अवस्था बतलाई बोधायन महाराज जी भी समय समय पर बोलते थे कि गुरु महाराज जी के जाने के बाद में जैसी स्थिति आकर के खड़ी हुई बहुत बार समझ नहीं आता कि करो या करो क्या क्या नहीं करो। उसी प्रकार से गुरुदेव के जाने के पश्चात भी अनेक अनेक ऐसे वाले विचार सुनने के लिए मिलते हैं जो लगता है कि नहीं हमने तो ऐसा गुरुदेव से सुना नहीं क्या वास्तविक रूप में गुरुदेव कहते थे क्या उनके मन का अभिष्ट था। हम लोग मैं अपने लिए तो वास्तविक रूप में बोलता हूँ कि मेरे गुरु भ्राता गण मेरे कानों को प्रस्तुत करते हैं ठीक ठीक रूप में मैं समझ पाऊं समझने के लिए यत्नवान हो जाऊं यही मेरी केवल प्रार्थना है। आज इस तिथि के दिन में जिसको सभी लोग शुभ तिथि कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे लिए ये वास्तविक रूप में कब शुभ तिथि बनेगी। इसीलिए समय बहुत अधिक होता जा रहा है केवल उनका एक उपदेश ही उसको अपनी सीमित बुद्धि से भी समझने जाकर के बहुत अधिक उसमें वैष्णवों के विचार और बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसीलिए और कुछ भी नहीं कह करके मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैंने ऐसे तो मैं दृष्टि का ही कर रहा मैंने पहले बोला था महाराज जी आप बोलेंगे किंतु आप यदि कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी मैंने पहले समय की तरफ ध्यान नहीं देकर कि मैं बोलता ही गया समय बहुत अधिक हो गया और मेरी इच्छा थी ऐसे कि हमारे श्रीपाद प्रेमदास प्रभु और यहाँ पर हमारे नरोत्तम प्रभु जिन्होंने महाराज जी से हमारे गुरुदेव की कथा को अनेक बार अनेक प्रकार से श्रवण किया है कि ये लोग भी बोलेंगे किंतु
दो चार मिनट बोलने की इच्छा होने पर भी एक उपदेश की तरफ दिमाग इस प्रकार से चला गया कि मैंने समय ले लिया, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि हमारे श्रीपाद श्रीधर महाराज जी या फिर सिद्धांत महाराज यदि कुछ महाराज जी की कथा भी है, सिद्धांत महाराज जी ने भी इसीलिए प्रातः काल का समय चुना था कथा के लिए कि भागवत उनको भी भागवत कथा में जाना और हमारे श्रीधर महाराज जी की कथा का तो समय भी 12 बजे से 4 बजे है, तो समय बहुत अधिक हो चला है, इसलिए यहीं पर हम लोग कथा को विश्राम देते हैं। अभिषेक यद्यपि हमने अभिषेक करना था किंतु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभिषेक को नहीं करके हम लोग केवल आरती कर देते हैं, कीर्तन कर देनी यहाँ पर इधर और उधर आरती चले जाएगी। महाराज जी को प्रसाद भी देना है, सुबह से भक्तों ने प्रसाद भी नहीं लिया, वो अभी आरती हमारे भक्त लोग ही कर ले, कीर्तन भी आप लोग कर लो, हम महाराज जी को प्रसाद इत्यादि अंदर दे देते हैं, आरती करके श्री महाराज जी जाएंगे, आप लोग आरती सजा दो, महाराज जी ही कर देंगे आरती। मैं केवल एक ही बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था उसी समय हमारे रस बिहारी प्रभु जी बेरी प्रभु जी उन्होंने एक बात बोली कि यद्यपि आज गुरु महाराज जी की तिथि है और उन्हीं का ही सारा कुछ कथा कीर्तन महिमा होना चाहिए, किंतु साथ में क्योंकि सभी एकत्रित हुए एक बात बोलनी है कि यहाँ पर श्रीला महाराज जी की आश्रित एक भक्त सीमा दीदी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि उसने शरीर अपना त्यागा है, तो उसी का स्मरण करते हुए हमारे राज बिहारी प्रभु कह रहे थे कि सभी लोगों को हम लोग यदि प्रार्थना करें कि वो जिस किसी परिस्थिति में भी इस जगत से गई है उसके लिए सभी लोग अंततः एक एक माला उसके नाम की कर करके करके उसके मंगल की कामना करें, यही वो बोल रहे थे कि सभी को मेरी तरफ से आप लोग बोल देना, इसीलिए मैंने उसको आप लोगों को कन्वे किया, जो जो भक्त लोग जिनके लिए भी संभव हो वो उसके लिए उस प्रकार की कामना करेंगे। हरे कृष्ण। कहाँ है प्रभु? चैतन्य छोड़ी पकड़ 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 कृष्ण गुरुदेव की जय। श्री गुरु चरण Yeah.
Thank you.